अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मियान बिल और आप देख रहे हैं मियान स्पीक्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कोटलिन को यूज करते हुए एक पॉपुलर गेम बिल्ड करेंगे जिसमें टू प्लेयर्स आपस में गेम प्ले कर सकते हैं। आप इस गेम पर एड्स भी लगा सकते हैं और प्ले स्टोर पर डालकर अर्निंग भी कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल इतना ईजी है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली गेम बिल्ड कर सकेंगे। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। तो न्यू प्रोजेक्ट करने से पहले हम डेमो ऐप को एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने किस स्क्रीन पर काम करना है। चलें डेमो ऐप को ओपन करते हैं और देखते हैं सबसे पहले स्क्रीन कौन सी हमें नज़र आती है। जैसे ही हम डेमो ऐप को रन करते हैं तो एक स्क्रीन आपके सामने विजिबल हुई। इस स्क्रीन को कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन आप जो यूज़ करते हैं, क्या आप अक्सर नोट करेंगे कि कोई भी जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसके ऊपर एक स्क्रीन विजिबल होती है और देन वो स्क्रीन कुछ देर बाद गायब हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन। और जैसे ही आपने इसके अंदर देखा, स्प्लैश स्क्रीन के अंदर हमने कुछ एनिमेशन भी लगाई हुई हैं। ये सब कुछ हम कैसे क्रिएट करेंगे वो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखेंगे। चलें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसको हम पहले सबसे पहले गायब कर देते हैं। आपने कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो आप जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपने एक एम्प्टी एक्टिविटी यूज़ करनी है। ये बाकी ये सब चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक किया, इसके बाद नेक्स्ट बटन आया। इधर सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं। मैं टिक गेम रख लेता हूँ। और यहाँ पे पैकेज नेम आ जाता है। ये हर गेम का डिफरेंट, हर एप्लीकेशन का डिफरेंट और यूनिक पैकेज नेम होता है जिसके थ्रू एप्लीकेशन आपकी प्ले स्टोर पे अवेलेबल होती है। और इसके बाद आप ये कहीं भी प्रोजेक्ट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आप चाहें अपनी मेमोरी के अंदर। ये आपने कोटलिन लैंग्वेज यूज़ करनी है और उसके बाद आपने ये फिनिश पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर के लिए आप प्रोजेक्ट बिल्ड होगा और उसके बाद आपके सामने स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है। जैसे ही देखें आप प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ है तो आपके सामने एक स्क्रीन आई है जिसके अंदर लिखा हुआ मेन एक्टिविटी। बेसिकली ये मेन एक्टिविटी कोटलिन की फाइल है, ठीक है ना। जैसे आप जावा पे काम करते थे तो जावा की फाइल पर क्रिएट होती थी, इधर हम कोटलिन में बैकएंड करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लेआउट बनाऊँ, लेआउट बनाने के लिए आप सिंपल रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे, लेआउट में आएंगे और यहाँ पे आपके जितने भी आपकी स्क्रीन होगी वहाँ पे अवेलेबल होगी। हमारे पास सिर्फ अभी एक स्क्रीन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देखते हैं कि इस पर कुछ नहीं बना और सिंपल एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड खत्म कर देते हैं सिंपल, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखा था कि उसके अंदर एक बैकग्राउंड लगा हुआ था और उसके अंदर एक इमेज लगी हुई थी और इसके अंदर एक टेक्स्ट लगा हुआ था। वो सब कुछ कैसे लगाना है वो बहुत सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसको यूज़ करते हुए हम वो लेआउट बना लेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड लगाते हैं। और क्या कहते हैं, बैकग्राउंड लगाने के लिए आपके पास इमेज अवेलेबल होनी, या तो आप खुद बैकग्राउंड बना लें, वो ग्रेडियंट है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे इमेज लगाने से पहले हमें एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इमेज डाउनलोड आप कोई भी, आपको जो भी पसंद हो बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। मैंने एक इमेज पहले से डाउनलोड करके रखी हुई थी, क्योंकि सिंपल एक कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। इमेज जितनी भी इमेजेस आपकी ड्राइबल, आपके जितनी भी आइकॉन्स, सब जितने भी अवेलेबल होंगे हम सिंपल ड्राइबल के ऊपर जाकर कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो स्टोर होते जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी नाम रखते हैं, रखना चाहते हैं वो रख लें। मैंने बैकग्राउंड रखा हुआ था, मैंने ओके कर दिया। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे कितने डैशेस नंबर वगैरह के साथ आप इमेज नहीं स्टोर करवा सकते, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वो आपका एरर आएगा और इमेज वो सेव नहीं होगी, इसलिए आपने हमेशा अल्फाबेटिक में सेव करवानी है। उसके बाद आपने ओके क्लिक कर देना। ये अब आपकी ड्राइवर के अंदर इमेज अवेलेबल होगी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लग गए, तो हम बहुत सिंपल है, सिंपल यहाँ से आप एक इमेज व्यू उठाएं और यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग कर दें। जैसे आप ड्रैग करते हैं तो आपके सामने देखें काफ़ी सारी इमेजेस पहले से जो अवेलेबल हो जाती है, और वो एक वो इमेज भी अवेलेबल है जो हमने इसके अंदर रखी थी। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसके अंदर रखा है तो आप देख सकते हैं कि ये हाफ स्क्रीन पे आ रही है और एक इमेज अवेलेबल भी होगी। तो आप चाहते हैं कि मैं इसको फुल स्क्रीन पे लेके आऊँ, तो उसके लिए पहले तो हम कोऑर्डिनेट इसके साथ मैच प्रिंट कर देंगे। अभी भी आप देख रहे हैं इसकी स्पेस अवेलेबल है, तो हम इसको क्या करेंगे, मैच कंस्ट्रेंट। वो क्या होगा कि जितना भी स्क्रीन का साइज है उतनी ये पिक्चर हो जाएगी। तो अब अभी भी आप देख सकते हैं कि जो ये बैकग्राउंड हमने लगाया था वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे आ रहा है, बाकी ऊपर और नीचे से खाली है। तो इस चीज़ को फिल करने के लिए इसकी एक प्रॉपर्टी है इमेज व्यू की, वो है स्केल टाइप। स्केल टाइप इधर आके जैसे हम सर्च करेंगे, इसके अंदर सेंटर क्रॉप एक इमेज है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये इमेज इसके अंदर फिल हो जाए तो इसके सेंटर क्रॉप पे क्लिक करेंगे, वो देखें आपके सामने एक इमेज जो भी थी आपकी वो इसके अंदर कम्प्लीट फिल हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फिट सेंटर में लगा दूँ, ठीक है, वो आपके सेंटर में इसमें आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि फिट स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट में लग जाएगी। सो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चाहते थे कि सेंटर क्रॉप करें, तो आपकी ये इमेज ऐसे पूरी सेंटर क्रॉप में लग गई, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने देखा एक लोगो था जो ऊपर से एनिमेट होता हुआ नीचे है। तो सबसे पहले हम लोगो लगाएंगे,
जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कोई भी लोगो कोई भी इमेज आपने लगानी है तो पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ट्रैवल में सेव करवा के देन फिर आप लगा सकते हैं। तो अब लोगो भी इसी तरह, आप जो भी आपको आपका लोगो होगा आप नेट से डाउनलोड कर रहे हैं या खुद बनाएं, उसको आपने सेव करवा लेना है। मैंने ये पहले से लोगो मैंने रखा हुआ था, इसको मैंने सिंपल कॉपी किया और इधर राकेट ट्रैवल में सिंपल पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इधर ओके कर देना। अब देख सकते हैं आप कि ये इधर अवेलेबल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं इधर लगाऊँ, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, इधर एक इमेज व्यू पर क्लिक करेंगे और इधर ड्रैग कर देंगे। जैसे ही देखिए मैं ड्रैग किया तो ये आपके सामने अवेलेबल होगी, टिक टैक जो भी हमारा बैकग्राउंड था ये भी हो गया, दूसरा बैकग्राउंड भी अवेलेबल है, जितनी भी इमेजेस है वहाँ पे अवेलेबल है। हम टिक टैक पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये एक अब इमेज इधर आ गई है, ये बैकग्राउंड पे इमेज तो आ गई है लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको हम सेंटर में लेके आए और इसका साइज थोड़ा छोटा करें। ये सब कुछ कैसे करेंगे ये अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका हम साइज छोटा कर लेते हैं। साइज छोटा करने के लिए हम ये लेआउट विड्थ में आएंगे, इसकी साइड पे प्रॉपर्टीज हैं, इनको प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो विड्थ पे आके हम इसको साइज दे देते हैं 250 बाई 250 का, नहीं ये ज़्यादा, 200 बाई 200 का दे देते हैं। कॉपी किया, हाइट भी इसको इतनी हमने दे दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज यहाँ पे सेंटर में आ जाए, ठीक है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो बहुत सिंपल है, कंस्ट्रेंट लेयर में आप जानते हैं जैसे कि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपने कोऑर्डिनेट इनको साथ अटैच कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए तो हम इसको इधर इधर अटैच किया और इधर से पकड़ के लेफ्ट वाले के साथ अटैच किया। अब ये देखते हैं अब सेंटर में आ गई है, और आप चाहते हैं बिल्कुल सेंटर में आ जाए इसके बैकग्राउंड में, नीचे से पकड़ के बॉटम वाले को नीचे बॉटम से अटैच किया और अप वाले को अप से अटैच किया। अब आप देख सकते हैं आपकी इमेज बिल्कुल सेंटर में आ गई है, ठीक है ना। बहुत इजी बहुत सिंपल है, कंस्ट्रेंट लेआउट पे आपको लेआउट बनाना, ठीक है। अब इसके अंदर हम और बहुत भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता दूं कि ये देखें आप कि अगर हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो सिंपल यहाँ पे जैसे ही आपने इमेज पे क्लिक किया तो उसके बाद आप देखिए देखिए आप इधर सेट कर लिए कि मैं इधर रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब जब भी आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो आपकी ये इमेज इधर ही आपको अवेलेबल होगी। हम रन करने से पहले इसका टाइटल भी लगा लेते हैं, देन हम फिर इसको रन करते हैं। अब हमने इसका टाइटल लगाना है, टाइटल लगाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। अगर हमें टाइटल लगाना है, ठीक है, तो सिंपल टेक्स्ट व्यू होता है जिसके थ्रू हम टाइटल वगैरह लगाते हैं, जिसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, कोई भी नाम कोई भी अपने चीज़ का नाम लिखना है, अब हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं टेक्स्ट व्यू नीचे लिखा देखें आपके सामने ये टेक्स्ट व्यू अवेलेबल हो गया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट व्यू हमारा इस तस्वीर के नीचे आ जाए और सेंटर में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू को ऊपर से पकड़ा, ठीक है, और ये इसके आपने नीचे लगा दिया बॉटम में, ठीक है। अब वो तस्वीर के नीचे आ गया, और आप चाहते हैं कि मेरी ये टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, इसके सेंटर में आ जाए। सिंपल जिस तरह हमने इमेज को सेंटर में लेके आए इसको भी हम इधर लगाएंगे और इसको इधर लगाएंगे। देखिए हमारा टेक्स्ट व्यू है सेंटर में आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसको ऊपर से मार्जिन मिल जाए, सिंपल आपने साइड पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे आना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 0 0 आ रहा है, 0 ये मार्जिन वगैरह आप देने के लिए अब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से 16 टॉप से मार्जिन दे दीजिए 16, ठीक है। देख सकते हैं आप कि 16 मार्जिन जैसे दिया वो नीचे आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट चेंज किया जाए, तो इसकी सिंपल एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, टेक्स्ट में आके आप इसका इजीली आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ टिक टैक, ये देख सकते हैं आप टिक टैक तो गेम का नाम आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँ टेक्स्ट का, और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। वो सब कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ, और अगर आप फ़ोन का चेंज करना चाहते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, सिंपल यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आ गए, सर्च के ऊपर आपने लिखा साइज़, ये देखें टेक्स्ट साइज़ आ गया, यहाँ पे आप कोई भी साइज़ दे लें, मैं रख लेता हूँ 48, ठीक है, ये 48 साइज़ आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करूँ, ठीक है। तो मैंने पहले से कलर कोड कॉपी करके सेव किए हुए थे, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा दोबारा ढूंढने पड़े। तो आप जो सा भी कलर लगाना चाहते हैं सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी कलर पर क्लिक करें आपका वो कलर लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और एक ही तरीका है वैल्यूज़ में आके कलर्स पे जाएंगे, यहाँ पे कोई कलर जनरेट करें, सिंपल कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब इधर आपने सबसे पहले ये नेम होता है इसका नाम, नेम चेंज कर देना, मैंने ग्रीन रख देना है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर कोड ये देखिए सेम वाइट आ रहा है, लेकिन मेरा कलर कोड ग्रीन का था, ठीक है। इधर से मैं कोई भी कलर चूज़ किया, अब ये कलर आ गया, ये हमारा कलर एक बन गया। हम सिंपल इसकी क्या करेंगे,
कि मेन एक्टिविटी में जाके पहले हमने एक वो दो तरीके हैं, लेकिन बेसिकली जो एक अच्छा तरीका है आप पहले खुद कलर जनरेट करें और फिर इसके ऊपर लगाएं। सिंपल यहाँ पे आके ग्रीन जो सा भी नाम है उसका वो दे दें। अब ये कलर थोड़ा सा लाइट है, इसको हम थोड़ा सा क्या कहते हैं ब्राइट कर लेते हैं, ये ठीक है। और इसके अंदर क्या था कि एक फॉन्ट लगा हुआ था। फॉन्ट बेसिकली कौन सा, हम फॉन्ट लगाने के लिए जो देखते हैं कि आप कोई भी स्टाइलिंग में होता है टेक्स्ट का स्टाइल जो भी आपने चेंज करना है, आप इधर देखेंगे फॉन्ट के अंदर आएंगे, इधर बहुत से फॉन्ट अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम ये फॉन्ट यूज़ करते हैं कैजुअल, तो ये देखें कि फॉन्ट इस तरह का हो गया है। बेसिकली जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया था, जो आपको पसंद है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मैंने ये वाला फॉन्ट यूज़ किया था एक्लोनिक का, ठीक है। इस पर ओके किया, ये फॉन्ट लग गया। अभी हमारी स्प्लैश स्क्रीन तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब बस इसके ऊपर हमने बैकएंड पे काम करना है और सिंपल हमारी एक स्प्लैश स्क्रीन तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि अभी तक हमने कितना को काम कर लिया है। ये देखें जैसे ही मैंने रन किया था तो ये आपके सामने, ये देखो अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है। आप देख सकते हैं कि ये सिंपल एक स्क्रीन आ चुकी है। अभी ये क्या कहते हैं विजिबल ही है, ये नहीं हुआ कि थोड़ी देर में गायब होगी। इसके लिए क्या होगा, हम एक न्यू एक्टिविटी बनाएंगे, देन फिर हम उसके ऊपर इसको इंटेंट लगा के आगे भेज देंगे, ठीक है। आगे हम क्या काम करेंगे, हमने उस स्क्रीन के अंदर ये जो स्टेटस बार के नीचे एक्शन बार है इसको हम गायब कर, इसको स्टेटस बार कहते हैं, इसको एक्शन बार कहते हैं, जहाँ पे टाइटल वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। इसको गायब करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल थीम्स के अंदर आएंगे, इधर के कोड के अंदर, ठीक है। थीम्स के अंदर आके यहाँ पे सिंपल स्टाइल नेम डॉट थीम टिक टैग जहाँ पे आ रहा होगा, पेरेंट के अंदर आएंगे, इधर नो एक्शन बार कर देना है। अब हम रन करके देखते हैं। जैसे देखें आप, मैंने इधर नो एक्शन बार लिखा है तो आपका ये ऊपर से एक्शन बार ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये एनिमेट हो, ठीक है, ऊपर से नीचे आए तस्वीर और नीचे से ये जो टाइटल है ये नीचे से इधर सेंटर में आ जाए। इस सब को हम कैसे करेंगे, आए आप सबसे पहले इस पर काम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये एनिमेट हो, ये जो हमने लोगो और नीचे टाइटल लिखा है इसको एनिमेट करवाएं। जैसे कि आपने देखा था कि ये जब मैंने अपनी डेमो ऐप रन की थी तो ये जो लोगो था ये ऊपर से नीचे आ रहा था और जो ये टेक्स्ट था टाइटल ये नीचे से ऊपर सेंटर में आ रहा था, ठीक है। इसको कैसे करना है चलें देखते हैं। तो एनिमेट कराने से पहले हमें इस लोगो को और इस टेक्स्ट को आईडी देनी होगी और उसके बाद हम बैकएंड में काम करेंगे। इस लोगो को इस टेक्स्ट को आईडी कैसे देंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। इधर आए हम लेआउट्स के अंदर, हमने इसको आईडी देनी है क्योंकि तो हमने इस पे जिस चीज़ को एनिमेट करवाना है हम उसी की आईडी चेंज करेंगे। इसको पीछे हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। सो इसकी हम आईडी चेंज नहीं करेंगे, तो हमने सिर्फ इसके ऊपर काम करना है, तो हम इसकी आईडी चेंज करेंगे। इधर एट्रीब्यूट्स में आए, आप देख सकते हैं कि आईडी है, इधर सिंपल आप लिख दें इमेज डिफेक्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। इमेज की हमने आईडी सेट कर ली है, ठीक है, उसको हमने इमेज कह दिया है। ये टेक्स्ट व्यू है तो इसकी हम आईडी सेट नहीं करते, ठीक है, टेक्स्ट व्यू ही रख लेते हैं क्योंकि हमने इसके बाद आगे तो इसको यूज़ करना नहीं है। इमेज की आईडी और टेक्स्ट की आईडी हम दोनों की सेट कर चुके हैं, ठीक है। टेक्स्ट की आईडी मैंने नहीं चेंज की, टेक्स्ट व्यू ही रख लिया, इमेज की आईडी हम चेंज की है, ठीक है, उसका नाम मैंने इमेज रखा है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से एनिमेट होकर नीचे आए, ठीक है, और ये नीचे से एनिमेट होकर ऊपर जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सब काम होगा बैकएंड के ऊपर, ठीक है। जो भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो जितना भी कोड करना है वो आपने मेन एक्टिविटी जावा के अंदर आके, इधर मेन एक्टिविटी, ये एक मेन एक्टिविटी जो पहले स्क्रीन में थी, इसके अंदर आके इस स्क्रीन का काम करना है। सिंपल हम इधर आए हैं, इसके बाद क्या हुआ है आपके सामने, हमने देखा कि हमने क्या कहा था कि हमने इमेज व्यू को ऊपर से नीचे एनिमेट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इमेज को ऊपर लेके भी जाना होगा, तो वो कैसे लेके जाएंगे, सिंपल उसका नाम क्या था इमेज का, इमेज हमें आईडी इमेज रखी थी, इधर मैं इमेज लिख रहा हूँ, इमेज आ नहीं रहा, ठीक है। वो कह रहा है कि इमेज आपको पहले लोकल वेरिएबल इमेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपके साथ भी इशू आए तो सिंपल आपने क्या करना है, बिल्ड डॉट ग्रेडर में जाके यहाँ पर आपने प्लगइन्स के अंदर आना है, ठीक है। यहाँ पे एक आईडी आईडी लिखना है और यहाँ पे आपने एक्सटेंशन इसकी दे देनी है कोटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशन, और इसके बाद आपने सिंक कर देना है। जैसे ही आप इधर आएंगे आप देखें कि आपके उसके नीचे लाइन आ गई। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो कहेंगे इसकी लाइब्रेरी कोटलिन की, आल प्लस एंटर दबाओ ताकि इधर इंपोर्ट हो जाए, ठीक है ना। सिंपल आपने क्या करना है, आल प्लस एंटर दबाना है, ये देखें। अब कोई भी जो भी इधर आपकी आईडीज जितने भी इधर व्यूज़ पड़े हैं सिंपल हम उनका उधर नाम लिखेंगे और उनको हम वहाँ से यूज़ कर सकेंगे। अब इमेज है,
अब हम चाह रहे थे कि इसकी इमेज पहले ऊपर चली जाए, जैसे तो ऊपर जाएगी कहीं उधर से ही नीचे आएगी ना, ठीक है। उसको ऊपर भेजने के लिए दर्शी बात है वाई कोऑर्डिनेट। अब हमने ऊपर की डायरेक्शन को जाना है तो वाई कोऑर्डिनेट्स होंगी, अगर हमने लेफ्ट राइट जाना है तो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर को जाना है तो ऊपर को जाने के लिए यहाँ पे ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन एक्स करेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अप टू डाउन करें तो अप टू डाउन के लिए ट्रांसलेशन वाई है, सिंपल इस पर क्लिक किया, एंटर मार देंगे और इज इक्वल कर देंगे। देन हम इसके अंदर बता देंगे कि हमने आगे को जाना है, डाउन जाना है कि अप जाना है। अभी पिक्चर सेंटर में है, ठीक है। अप जाने के लिए जाहिर सी बात है कि वो बैक जाने के लिए माइनस जाना पड़ता है, तो -1000 जब हम करेंगे तो -100 से पहले करके देख लेते हैं कि क्या होता है। इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए जैसे ही मैंने -100 किया तो इमेज थोड़ी सी ऊपर चलेगी, ठीक है ना। हम इसी तरह हम अगर हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इसके हम इधर से नंबर बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अभी अगर हम इसको 300 करता हूँ, 400, देन देखते हैं कि क्या होता है। अब देखें, अब जब मैंने रन किया है तो ये इसकी इमेज ऊपर चलेगी और, ठीक है। तो बेसिकली जब हम मैंने डेमो ऐप में था उसमें क्या हो रहा था कि इमेज बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, ऊपर से नीचे आ रही। सो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल 1000 कर देंगे, करंट लोकेशन से माइनस कर देंगे ताकि ये गायब हो जाए, ऊपर चली जाए, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखें आपको इमेज नज़र नहीं आएगी, देखें इमेज गायब हो गया। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट भी गायब हो जाए ताकि टेक्स्ट नीचे से ऊपर आए, ठीक है। अब हमने इमेज को इस ऊपर वाली साइड पे भेज दिया, जब हम इसको एनिमेट करेंगे तो ये ऊपर से नीचे आएगी। अगर हम चाहते थे टेक्स्ट इस साइड से नीचे इधर से आए तो ठीक है, तो हम फिर वाई कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, सिंपल। अब मैं उसके अंदर देखा था कि मेरी ये टेक्स्ट टाइटल था वो नीचे से ऊपर आ रहा था, सिंपल यहाँ पे आके अब उस टेक्स्ट को हम इधर कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, सिंपल। उसका नाम क्या था, टेक्स्ट व्यू, आईडी टेक्स्ट व्यू रखी थी, टेक्स्ट व्यू लिखा और हमने क्या करना था, ट्रांसलेशन वाई इज इक्वल। अब हमने ऊपर को नहीं लेकर जाना, अब हमने नीचे को लेकर जाना है, क्योंकि टेक्स्ट व्यू आपने देखा होगा कि जब हमने एप्लीकेशन रन की थी डेमो तो टेक्स्ट व्यू नीचे से ऊपर आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए अब हमने इसको इस आगे को लेकर जाना है, तो इसके अंदर 1000 हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। एक्चुअल जो इसकी एक लोकेशन है वहाँ से ये आगे चला जाएगा। अभी देखें, पहले हम थोड़ा सा लगा लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब देखें, पहले जो टेक्स्ट था हमारा यहाँ पे अवेलेबल था, जैसे ही मैंने ये इंप्लीमेंट किया है हमारा टेक्स्ट आगे चला गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट नज़र ना आए, ये टेक्स्ट सिर्फ तब नज़र आए जब ये एनिमेट हो के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपल हमें 1000f कर दिया, फ्लोट, ये f का मतलब फ्लोटिंग है। जब हम इस तरह करेंगे इसके बाद हम ये रन करते हैं, देखें अभी सिंपल एक खाली स्क्रीन है, ठीक है। हमारे पास एनिमेट ना टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना हमारे पास इमेज नज़र आ रही है, ठीक है। अभी हमारा स्क्रीन तो खाली होगी, अब हम चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं अब रन करूं एप्लीकेशन तो इमेज हमारी वहां से ऊपर से नीचे आ जाए और जो टेक्स्ट है हमारा टाइटल वो नीचे से सेंटर में दोबारा अपनी जगह पे आ जाए। उसको हम कैसे, दोबारा हमने इसको एनिमेट करवाना है और अपनी अपनी जो एक्चुअल इसकी एक प्लेस थी वहां पर लेकर आना है, सिंपल। इमेज को सबसे पहले कर लेते हैं इमेज डॉट एनिमेट, एनिमेट करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रांसलेशन, दरसी बात है हमने ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, जब मैंने कहा अप टू डाउन लेकर करना है, एनिमेट करना है, तो हम ट्रांसलेशन वाई यूज़ करेंगे। अगर हमने लेफ्ट राइट करना है तो ट्रांसलेशन एक्स यूज़ करेंगे। तो ट्रांसलेशन वाई यूज़ किया, इसके अंदर हमने क्या बता दिया, आप देखें इसके अंदर ट्रांसलेशन हमने -1000f अप्लाई किया है, मतलब एक्चुअल जो उसकी प्लेस थी वहाँ से हमने -1000f कर दी है। वो माइनस जब हम 1000f इम्प्लीमेंट किया है तो वो ऊपर चला गया है। अगर हम अब इसकी ज़ीरो कर देंगे इधर तो क्या होगा, वो अपनी एक्चुअल प्लेस के ऊपर दोबारा आ जाएगा। फिर हम करके देखते हैं, अब देखते हैं, अब इसके साथ हमने ड्यूरेशन देन, ड्यूरेशन मतलब कितने सेकंड के अंदर वो ऊपर से नीचे आए, और इज इक्वल 2000 लिखेंगे तो 2 सेकंड हो जाएंगे, 1000 लिखेंगे तो 1 सेकंड हो जाएगा। दोनों में करके दिखाता हूँ, 1 सेकंड पहले करके देख लेते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने अपनी एप्लीकेशन रन की तो ये मेरा जो लोगो था वो ऊपर से नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्लो आए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर 2 करेंगे, अब रन कर देंगे, ये देखें कितना इजी था, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज इधर से लेफ्ट टू राइट आए तो वो भी आपको मैं करके बताता हूँ। सिंपल आपने ये एक्स की जगह वाई कर देना है और इधर भी आपने एक्स की जगह वाई कर देना है, सॉरी वाई की जगह एक्स कर देना है, ठीक है।
अब रन करें, देखते हैं क्या होता है। ये देखें सिंपल। सो अब हम टेक्स्ट को भी इसी तरह इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। उससे पहले हम जो भी चेंजेस की चीज़ को वापस कर देते हैं। अब हमें टेक्स्ट पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो सिंपल क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू डॉट एनिमेट डॉट ट्रांसलेशन वाई, दर्शी बात है हमने अप टू डाउन है, तो इधर भी दोबारा हमने एक्चुअल प्राइस अपनी प्लेस पे आना है तो ज़ीरो, दर्शी बात है हमें कोई भी ना इंक्रीमेंट करना है ना डिक्रीमेंट करना है अपनी जगह से, ना हमने आगे जाना है पीछे जाना है, तो वापस हमने उसी जगह पे आना है, तो ज़ीरो एफ लिख दिया था सिंपल। और उसके बाद ड्यूरेशन बता देनी है आपने कितनी देर के में आपने वापस अपनी प्लेस पे जाना है, 2 सेकेंड। अब इसके बाद हम रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया तो आपने देखा कि ये देखे मेरा एक जो टेक्स्ट था वो नीचे से ऊपर आ गया अपनी एक्चुअल प्लेस पे, और जो हमारी इमेज थी वो ऊपर से नीचे आ गई। ठीक है, ये कितना ईजी था, आपने देखा कि हमने जस्ट 5 to 10 मिनट्स में हमने इस एनिमेशन लगा ली। आप इसके अंदर और भी बहुत सी एनिमेशन को अपने तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हम चाह रहे हैं कि जैसे ये एनिमेट हो जाए और इस स्क्रीन से हम अगली स्क्रीन पर चल रहे हैं, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन वाला काम कर लें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर सी बात हम अगली स्क्रीन पर जाने के लिए हमें एक न्यू स्क्रीन बनानी पड़ेगी। न्यू स्क्रीन हमारी क्या थी, पहले हम वो देख लेते हैं। प्लस स्क्रीन से जब आगे गए थे तो हमारे पास ये स्क्रीन आएगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी हमारे पास एक इमेज है, एक टेक्स्ट है और एक बटन लगा है। जैसे हम बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। तो इससे पहले हम अपनी ऐप देखते हैं उसके अंदर हमने क्या काम कर लिया अभी तक। ठीक है, इसको रन करते हैं। सिंपल, अभी तक हमने सिर्फ ये किया है कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट और इमेज था इसको एनिमेट करवा के उसी स्क्रीन पर हमने अवेलेबल कर दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि इस स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली कुछ देर के स्टे ले, ड्यूरेशन मतलब हम सेट करेंगे, इसके अंदर हम सेट किया ये आगे चला जाए कुछ सेकंड के बाद, तो वो कैसे होगा वो अब हम मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम एक स्क्रीन बनाएंगे, दूसरी बात अब जो वो आपको मैंने दिखाई है कि जिसपे हम स्टार्ट बटन क्लिक किया, वो स्क्रीन बनाने के लिए हम एक न्यू एक्टिविटी बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, इधर आके जावा के अंदर आएंगे, कॉम डॉट को इसके ऊपर क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, सिंपल आप एक्टिविटी पे आके empty activity क्लिक कर देना है। इधर आपने वो लिख देना है स्टार्ट एक्टिविटी रखते हैं। ठीक है, आपने ये ज़रूर देख लेना है कि आपका पैकेज नेम सेम हो और कोटलिन हो। ठीक है, सिंपल। जैसे हम इसको फिनिश करते हैं आप देख सकते हैं कि इधर स्टार्ट एक्टिविटी आपके सामने अवेलेबल होगी। मेन एक्टिविटी हमारी स्प्लैश वाली थी, ये स्टार्ट एक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल होगी जिसके अंदर न्यू काम करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट एक्टिविटी देखें सिंपल है बिल्कुल, इसके अंदर कुछ भी नहीं अवेलेबल, तो अब हम इसकी स्क्रीन के ऊपर कैसे जाएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, सिंपल मेन एक्टिविटी के अंदर आए, प्लैश है कुछ देर के लिए अवेलेबल होता है और उसके बाद गायब हो जाता है। सिंपल, उसका कोड क्या है, हैंडलर हैंडल करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, लूपर डॉट गेट मेन लूपर, उसके बाद पोस्ट ले कितनी देर का डिले आएगा। ठीक है, और इसके अंदर आपने ये पैरेंथेसिस लगा देनी है, अगर खुद ऑटोमेटिक आ जाए तो बेहतर है, अगर नहीं आती तो पैरेंथेसिस लगाती हैं। अभी ये आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसे बताया नहीं कितनी देर का डिले, तो सिंपल पैरेंथेसिस के बाहर आएंगे हम, ठीक कर्ली ब्रैकेट के, सॉरी कर्ली ब्रैकेट के बाहर आएंगे। ठीक है, और कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद इधर हम बता देंगे कि 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आ जाए, 2 सेकंड लिखने हैं तो 2000 लिखेंगे। जावा के अंदर आप यहाँ पे सेमी कोलन यूज़ करते थे, इसके अंदर सेमी कोलन नहीं होता। उसके बाद अब हम इसके अंदर काम करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कि हमने इसके अंदर हमने बताना है कि हमने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाना है। जावा के अंदर हम इंटेंट यूज़ करते थे, इसके अंदर भी हम इंटेंट यूज़ करेंगे, बस उसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा और बहुत ईजी है, जावा से भी ईजी है। जावा के अंदर इंटेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम इंटेंट ही लिखते थे, लेकिन कोटलिन के अंदर आपने अगर बटन का डिक्लेयर करना है या टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर करना है या इमेज व्यू का आपने एक वेरिएबल बनाना है तो सिंपल आप वो लिखेंगे, हर चीज़ के लिए वो यूज़ होगा। ठीक है, वो लिखा यहाँ पे, जस्ट आपने इंटेंट लिखा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इसके बाद सिंपल वहाँ पे एक न्यू इंटेंट होता था, अब इसके अंदर न्यू इंटेंट नहीं होगा, सिंपल आप क्या क्या लिखेंगे, इंटेंट। इंटेंट लिखने के बाद जैसे ही आप ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, इसके अंदर आपने बताना है कि किस एक्टिविटी से आपने किस एक्टिविटी पे जाना है, तो हमने दिस एक्टिविटी इसी एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं ना। ठीक है, मतलब हमने मेन एक्टिविटी से अब हमने स्टार्ट एक्टिविटी पे जाना है, दिस लिखेंगे, मतलब दिस एक्टिविटी से हमने किस पे जाना है, स्टार्ट एक्टिविटी पे, स्टार्ट एक्टिविटी लिखा। ठीक है, इसके बाद आप जैसी बात हम इसे बताएंगे जावा की एक फाइल है, क्लास है,
दो कोलन लगाएंगे, ये आपके सामने आ जाएगा क्लास डॉट जावा, क्योंकि क्लास जावा की एक एक्टिविटी है। इसके बाद एंटर किया आपने। अब इसके अंदर जिस तरह जावा के अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट लगा, ये जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया उसके अंदर लगा देते, इसी तरह सिंपल कोटलिन के अंदर क्या है, स्टार्ट एक्टिविटी और जो आपने ये बनाया है इंटेंट ये वेरिएबल, इसको इसके अंदर लिख देंगे और अब हम रन कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है। इसको 3 सेकंड कर देते हैं क्योंकि हमारी एनिमेशन 2 सेकंड की है, 3 सेकंड कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। देखें जैसे ही मैंने अपनी एप्लीकेशन रन की तो क्या हुआ कि वो जो हमारी मेन एक्टिविटी थी वो कुछ देर के लिए, जो स्प्लैश एक्टिविटी कुछ देर के लिए हमारे पास विजिबल हुई, ठीक है, और उसके बाद वो गायब हो गई। उसके ऊपर हमने एनिमेशन भी लगा दी ही है और उसके ऊपर हमने स्प्लैश एक्टिविटी भी हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। तो अब हम ये जो हमारी स्टार्ट एक्टिविटी है इसके ऊपर अब बाकी काम करते हैं। सबसे पहले हम लेआउट बना लेते हैं, उसके बाद हम इसका बैकएंड करते हैं, ठीक है। तो चले आए इसके लेआउट बनाने के लिए, हम इसके क्या कहाँ पर जाएंगे, लेआउट फाइल के अंदर जाएंगे। पहले हमने मेन के ऊपर काम किया है, तब हमने स्टार्ट के ऊपर काम करना है। स्टार्ट के ऊपर काम करना है, आपने देखा होगा कि सेम बैकग्राउंड यूज़ हुआ है, तो हमें दोबारा दोबारा पिक्चर रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम यहाँ पे एक इमेज आए, ये इमेज पहले से हमें स्टोर करवा ली हुई है। दोबारा दोबारा जब अगर आपने इमेज लगानी है तो एक दफ़ा आप स्टोर करा चुके हुए हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपने हर दफ़ा अगर कहीं पे बैकग्राउंड लगाना है तो न्यू दफ़ा आपने इमेज डाउनलोड करके रखनी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा आपने अगर सेम बैकग्राउंड यूज़ करना है तो एक दफ़ा रख दी, उसके बाद दोबारा आपने इसको नहीं रखना। सिंपल बैकग्राउंड वही कॉपी किया, इधर रख दिया। इसके बाद वही आपको मैंने पहले बताया था कि मैं चाहता हूँ कि ये फुल स्क्रीन मैच पेंट हो। मैच पेंट करने के लिए जर सी बात है, इसको हम कोऑर्डिनेट्स को साथ जोड़ देंगे। अभी भी आप देख रहे हैं साइड ऑफ स्पेस है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि हाइट में आके आपने इसको 0 कर देना है, 0 dp मैच कर, मतलब मैच जितने भी पेरेंट की सीन है ये उसकी हाइट जितना हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाह रहे थे कि ये दर्शी पता, जैसे पहले एक हम स्क्रीन पर काम किया है, ठीक है, इसको हमने फिल किया है, तो वो कैसे किया था, सिंपल एक प्रॉपर्टी स्केल टाइप, स्केल टाइप पे आए हम, सेंटर क्रॉप क्लिक किया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेंटर क्रॉप पर क्लिक किया तो ये इमेज पूरी स्क्रीन पर विजिबल होगी, ठीक है। तो आप इसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो अब इसके हम बाकी काम करते हैं। इसके ऊपर एक टेक्स्ट, एक इमेज थी, एक टेक्स्ट था और एक नीचे बटन था। इमेज लगानी है आपने, तो इमेज लगा उठा के हमने इधर रखी, आपने ये वाली इमेज लगानी थी, इसको हमने ओके किया। अब इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, विड्थ हाइट हम इसको देते हैं 200 dp, बाकी 150 dp देते हैं। हाइट एंड विड्थ किसी भी चीज़ की आपने देनी हो तो सिंपल यहाँ पे आपने कोई भी टैग व्यू सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लेआउट में आके उसकी विड्थ और हाइट दे देनी है। अब इसको हम सेंटर में ले आते हैं। लेयर्स बनाने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। लीनर लेयर्स के थ्रू भी हो सकता है, रेटिकुलर लेयर्स के थ्रू भी हो सकता है, कंस्ट्रेंट लेयर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ कंस्ट्रेंट लेयर्स यूज़ कर रहे हैं। जो अगले नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर वो लीनियर रिलेटिव फ्रेम लेआउट जितने भी एग्री लेआउट सारे बताए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर अब हमने ये टेक्स्ट टाइटल लगाना है, पहले इधर टेक्स्ट इसको पकड़ा, इधर ड्रैग कर दिया, इसको सिंपल यहाँ से इसके साथ बॉटम से जोड़ देना है और सेंटर में लेके आना है, इसके ऊपर सेंटर में लगा दिया, ठीक है। टाइटल चेंज करना है, टेक्स्ट में आए। अब इसका साइज चेंज करना है, सिंपल वही इधर आके हम एट्रीब्यूट्स के अंदर साइज लिखेंगे, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 48। अब इसका कलर चेंज करना है, कलर हमने पहले एक बना लिया था जैसे आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे ग्रीन एक कलर बना लिया। अब इसका फॉन्ट चेंज करना था, फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे फॉन्ट लिखेंगे, एक्लोनिका मैंने यूज़ किया हुआ था, इस पर क्लिक किया, ओके हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ऊपर चल जाए, उससे पहले मैं एक बटन लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर ले जाता हूँ। इसके बटन लगाना है सिंपल, आपने इस बटन पे ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे बटन भी इसके नीचे था, अब इस हम इस टाइटल के नीचे बटन रख देंगे। अभी हमने इसके सेंटर में लेके आना था, ठीक है, या तो आप इधर लगा लें या फिर आप इधर लगा लें, दोनों का काम सेम होगा। ये अगर हम इधर लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्क्रीन के सेंटर में आएगा, लेकिन अगर हम इधर इस टेक्स्ट के इधर इधर लगाते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट में तो ये इस टेक्स्ट के सेंटर में आएगा। सो इसको हम मार्जिन दे देते हैं 24 का और इसके अंदर लिख देते हैं स्टार्ट के। अब बटन का टेक्स्ट चेंज करना है सिंपल, वो जिस तरह हमने टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट चेंज किया, टेक्स्ट लिखा, इधर आके हम लिख देंगे स्टार्ट के। और आपने देखा होगा कि बटन का थोड़ा साइज़ बड़ा था और इसका साइज़ बड़ा करना है, हाइट विड्थ बड़ी करनी है,
अगर ये देख अभी इसके अंदर आप एक और चीज़ देखें कि ये डैब कंटेंट है। इसको अगर मैं मैच पेंट करूँगा, आप देख सकते हैं कि मैच पेंट हो गया, इस बटन का साइज़ बहुत बड़ा हो गया। कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर आप चाहते हैं कि मैच पेंट करें और साइडों से जस्ट थोड़ा सा मार्जिन हो, ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये सिंपल लेफ्ट पे राइट मार्जिन दे दिया, आप इस तरह भी हो सकता है, लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने इसको 0 ख़त्म किया और इसको हमने कर दिया रैप कंटेंट दोबारा से। अब इसका हम साइज़ दे लेते हैं, खुद से इसको दे देते हैं साइज़ 150 और नीचे देते हैं 50 dpi, 60 कर देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 200 dpi कर लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो ये टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का हो जाए और बोल्ड हो जाए। यहाँ पे है टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट लिखा तो नीचे आप देखेंगे प्रॉपर्टी आएगी टेक्स्ट स्टाइल के नाम से। जब हमने नॉर्मल पर क्लिक किया तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आ गई। आपने अगर नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रखें, बोल्ड करना है बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, अगर इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। बोल्ड किया तो ये देखें ये बोल्ड हो गया, इटैलिक करेंगे तो स्टाइलिश थोड़ा सा हो गया। हमने इटैलिक को ख़त्म किया, अप्लाई कर दिया बोल्ड। अब हम चाहते हैं कि इसकी साइडें राउंड हो जाए, तो साइडें राउंड करने के लिए सिंपल यहाँ पे आगे कॉर्नर्स लिखा, कॉर्नर्स 100 dpi। देखें 100, अगर आप इसको देते हैं 20, देखें साइडें फुल राउंड नहीं हुई। अगर आप ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैंने फुल राउंड करना है तो 100 dpi दे दी, बेहतर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये टेक्स्ट है इसका कलर ब्लैक कर दो, टेक्स्ट कलर यहाँ पे लिखेंगे, ये ब्लैक कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है इसका कलर मैं ये जो टेक्स्ट का कलर है ये कर दूँ। सिंपल इस बटन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिक किया, यहाँ पे आएगा बैकग्राउंड टिंट, ठीक है ना। सिंपल इसके ऊपर आपने क्या दे देना, हमने एक कलर पहले बना जनरेट कर लिया था ग्रीन, तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर दे दें। देखें कितना इजी और सिंपल था। तो जैसे ही हमने ग्रीन कलर इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी ये जितने भी व्यूज़ हैं ये सेंटर में आ जाए। सिंपल इसके साथ सब अटैच हैं, इसको पकड़ा आपने और इसको आप सेंटर में ले गए। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल होती है। सबसे पहले स्प्लैश एक्टिविटी आपके सामने आई, देन उसके बाद हमारी दूसरी स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल होगी। तो अब हमने इसके ऊपर भी काम कर लिया। अब हमने जो हमारी जो डेमो ऐप थी उसके ऊपर क्या था कि हम स्टार्ट गेम पे क्लिक करते हैं, अभी देखें अब इस पर स्टार्ट गेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट गेम पे क्लिक करूँ तो मेरी एक नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाए जहाँ पे मैंने गेम खेलनी है, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चले आए देखते हैं। उससे पहले इम्प्लीमेंट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी बना लेते हैं जहाँ पे हमने जाना है, ठीक है ना। ये सब स्क्रीनें एक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। ये एक स्क्रीन स्प्लैश एक स्क्रीन थी, वो भी एक एक्टिविटी थी, ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो अब हमने अगली जहाँ पे हम गेम ने गेम खेलनी है वो भी एक एक्टिविटी है, तो उस पे जाने के लिए पहले हम दर्शी बात है हमारे पास एक स्क्रीन होनी अवेलेबल होनी चाहिए। तो न्यू स्क्रीन बनाने के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे, इधर एक्टिविटी पर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की, यहाँ पे आपने नाम दे देना गेम एक्टिविटी, और आपने ये ज़रूर याद रखना है कि कोटलिन हो और पैकिंग नेम सेम हो, ठीक है, और फिनिश कर देना। जैसे ही आपने गेम एक्टिविटी दी, आपकी गेम एक्टिविटी की एक एक्टिविटी जनरेट होगी और नीचे आप देखेंगे लेआउट्स के ऊपर आगे कि आपके यहाँ पे भी गेम एक्टिविटी आ गई है। अभी तक हमने मेन एक्टिविटी पे काम किया है जिसको हमने स्प्लैश स्क्रीन इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट जहाँ पे हमने स्प्लैश स्क्रीन के बाद जाना था वो एक्टिविटी बनाई है, उधर एक बटन लगाया है, इसके ऊपर क्लिक होने के बाद हम इस एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ने मैंने क्या कहा था कि जिस चीज़ का हमने फंक्शन परफॉर्म किया सिर्फ उसकी आईडी हमने चेंज करनी है। अब हमने इस स्क्रीन का ऊपर हमने सिर्फ इस बटन के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। इसके ऊपर और इसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना, सो सिर्फ हम इस बटन के ऊपर परफॉर्म करना है हमने फंक्शन। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल आईडी हम इसका बटन है, पहली बटन है तो btn दे दो या बटन दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। स्टार्ट बटन दे देते हैं, स्टार्ट बटन, ठीक है ना। अब हम सिंपल क्या करेंगे, आपको पहले भी बताया कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए हम इंटेंट यूज़ करते हैं। सिंपल ये कौन सी एक्टिविटी का लेआउट है, स्टार्ट, तो हम इसके कोड के अंदर कहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर ही जाएंगे। सिंपल यहाँ पे आए, यहाँ पर आके आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने वो जो भी आईडी दी थी इसकी वो यहाँ पे लिख देनी है। क्या लिख दी आईडी दी थी, स्टार्ट बटन। सिंपल बहुत इजी है, जावा से भी बहुत इजी है। आपको ना कोई
वेरिएबल बनाना पड़ता है, ना बटन लिख के आपको बटन बनाना पड़ता है। सिंपल आपने सिर्फ उसका एक नाम लिखना है जो भी आईडी दी, और यहाँ पे क्लिक कर दें। स्टार्ट बटन के बाद हमने इसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टेंट अप्लाई करना है। सेट ऑन क्लिक लिस्टेंट क्या करता है कि जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे, वो आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं आप वो करवा सकते हैं। फिलहाल हमने क्या करना है कि हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, तो हम सिंपल अभी तो फिलहाल सेट ऑन क्लिक लिस्टेंट लगाते हैं इसके ऊपर। जैसे हम सेट ऑन क्लिक लिस्टेंट लिखेंगे, आपने ये ब्रैकेट्स रिमूव कर देनी है और कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक है। जैसे कि आप देखते थे कि जावा के अंदर आप इंटेंट लगाने के लिए, आप इंटेंट का वेरिएबल डिक्लेयर किया पहले, उसके बाद आप न्यू इंटेंट लिखते थे, और उसके बाद सेमी कोलन, तो डिफरेंट चीज़ें होती थी और काफ़ी मुश्किल हो जाता। अब कोटलिन के अंदर ये सब चीज़ें बहुत आसान है। आपने बटन डिक्लेयर करना है, कुछ भी डिक्लेयर करना है, बटन, इमेज व्यू, ठीक है, और टेक्स्ट व्यू, कोई भी लेआउट को आपने कॉल करना है। सिंपल आपने वेरिएबल्स को बनाना है, तो सिंपल वॉल लिखा और इसका वेरिएबल बन गया इंटेंट, ये ले। अब इसके अंदर इंटेंट आपने लिखा, और अब आपने बताना है इसके अंदर, जिस जावा के अंदर बताते हैं कि किस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है। अब हमने दिस एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी से हमने कहाँ पर जाना है, गेम एक्टिविटी पे। तो ठीक है, दिस स्टार्ट एक्टिविटी इधर से, पता हम इसी एक्टिविटी के अंदर है, तो दिस लिखेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमने किस पे जाना है, गेम एक्टिविटी, गेम एक्टिविटी, और ये कौन सी एक्टिविटी क्या है, क्लास है जावा की, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल, इधर आके सिंपल जिस तरह स्टार्ट एक्टिविटी होता है जावा के अंदर, इधर हम इसके अंदर स्टार्ट एक्टिविटी लिखेंगे, और इंटेंट जो भी वेरिएबल आपका इसके अंदर हम वो पास कर देंगे। बहुत इजी और बहुत ही आसान है आपके लिए ये कोडलिंग को सीखना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब देखें, जस्ट हमने दो लाइनें लिखी हैं और हमारा काम हो गया है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी का, और बहुत ईजी कोड है, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल होती है। सबसे पहले क्लास स्क्रीन हमारे पास आई, एनिमेशन आ गई, उसके बाद हमारे पास दूसरी स्क्रीन आ गई, ये जो हमारे पास स्टार्ट एक्टिविटी वाली थी, इसके अंदर हमारे पास बटन है। अब हम इसके ऊपर बटन पर परफॉर्म कर चुके हुए हैं कि जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास दूसरी एक्टिविटी आती है। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास गेम एक्टिविटी आ गई। अभी ये खाली है क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई भी लेआउट नहीं बनाया, ये अभी आपको खाली नज़र आ रही है। जैसे ही हम इसके ऊपर लेआउट्स बना लेंगे, देन आपको यहाँ पे लेआउट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलें गेम एक्टिविटी पर काम करते हैं। गेम एक्टिविटी पे काम करने से पहले हम एक दफ़ा डेमो ऐप रन करके देख लेते हैं कि उस पर हमने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किया और उसका लेआउट कैसे है, ठीक है। चलिए डेमो ऐप को देखते हैं पहले। जैसे ही आप डेमो ऐप रन करेंगे तो आपके पास स्टार्ट बटन एक आ जाएगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि आपके पास ये बॉक्सेस लगे हुए हैं, रो हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। ये हम टेबल लेआउट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ही आपके पास ऊपर इमेज व्यू लगी हुई है, टेक्स्ट लगा हुआ, और पीछे बैकग्राउंड वही जो सेम हमने पिछली एक्टिविटीज में यूज़ किया है। और इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म हुआ है, फंक्शन क्या परफॉर्म हुआ है आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। कि इसमें एक प्लेयर टिक करता है इसको, दूसरा प्लेयर इसको करता है। आप चाहते हैं कि आप एक प्लेयर विन कर जाए अगर सेम थ्री लाइन में सेम आ जाए, एक्स आ जाए, ठीक है। देख लेते क्या होता है। जैसे इस पर एक ही कॉलम के अंदर थ्री एक्सेस आ गए हैं, तो वो प्लेयर वन विन गेम करके आपको री गेन करेंगे, प्ले गेन करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से गेम लग जाएगी। ये सब कुछ कैसे परफॉर्म करना है चले हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले पीछे एक बैकग्राउंड लगा हुआ है और एक इमेज व्यू लगा हुआ है, टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम ये परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम ये लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये कंस्ट्रेंट लेआउट पे था, ठीक है। इसको सॉरी, मैंने पहले कन्वर्ट व्यू कर लिया था रिलेटिव के ऊपर, कंस्ट्रेंट लेआउट है ये। तो हम इस दफ़ा रिलेटिव लेआउट पे काम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि रिलेटिव लेआउट कैसे काम करती है। तो इसका रिलेटिव लेआउट कैसे करना है, आपने कंस्ट्रेंट पर राइट क्लिक किया, कन्वर्ट व्यू पे गए और इसको सिंपल रिलेटिव लेआउट पर क्लिक कर दिया आपने और अप्लाई कर दिया। उसके बाद रिलेटिव लेआउट काम कैसे करती है आपका, इसका मैं एक दफ़ा डेमो दे देता हूँ ताकि आप इसका अंदाज़ा हो जाए। बेसिकली रिलेटिव लेआउट काम कैसे करती है, मैं एक दफ़ा आपको उसका डेमो दे देता हूँ। रिलेटिव लेआउट में होता क्या है कि जो बेसिकली रिलेटिव लेआउट काम कैसे करती है, एक दफ़ा मैं आपको उसका डेमो दे देता हूँ। रिलेटिव लेआउट में जो भी हम व्यू रखते जाते हैं वो सीक्वेंस वाइज आते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इमेज रखी है, ठीक है, आपने इसको अपने सबसे पहले रख दिया। अब इसको आप चाहते हैं कि मैं इसको ऊपर ले आऊँ, तो आप स्केल टाइप के थ्रू इसको ऊपर ले आएंगे। इसको फिर स्टार्ट करते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, आपने ये कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये इधर है, अब देखते हैं कि जब मैं इसके बाद एक और टेक्स्ट रखूँ देन क्या होगा। जैसे ही हम इसके ऊपर टेक्स्ट रखते हैं एक इधर, तो क्या हो गया है कि सबसे पीछे पहले रिलेटिव लेआउट के अंदर इमेज आ रही है, जैसे ही हम दूसरी चीज़ रखते हैं वो उसके ऊपर आ गई है, ठीक है ना। ये क्या हुआ है कि रिलेटिव लेआउट के ऊपर सीक्वेंस वाइज जो पहले रखते हैं वो सबसे नीचे होती है, ठीक है। उसके बाद जो भी हम व्यू रखते हैं वो आपको उसके आगे शो होता है। जैसे ही हम इस टेक्स्ट व्यू को पीछे ले जाएंगे तो ये टेक्स्ट व्यू इसके पीछे चल जाएगा। देखिए वो टेक्स्ट व्यू गायब हो गया। अब हुआ क्या है कि टेक्स्ट व्यू इसके पीछे चला गया इमेज के, पर इमेज आ गई आगे।
तो अब ये सो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। चलिए हम आगे लेआउट पे काम करते हैं। लेआउट पे क्या था कि हमने पहले डेमो तो यहाँ बैकग्राउंड लगाना है, तो बैकग्राउंड लगा लेते हैं, इसको टेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं। आपको बताया था कि ये इसको हमें कंप्लीट करना है, पहले इसको मैच प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई इशू ना हो, या मैच प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये पूरा फिल हो जाए, तो वो कैसे होगा? सिंपल, आपने इसकी स्केल टाइप इमेज को सेलेक्ट करना है, स्केल टाइप पे गए और आपने सेंटर ग्रुप कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या था? उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक इमेज लगी हुई है और एक ये लगा हुआ है टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ये कैसे होगा? और उसके बाद एक ये बॉक्सेस लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा एप्लीकेशन डेमो देखते हैं कि उसके ऊपर सीक्वेंस क्या चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इमेज आ रही है, उसके बाद टेक्स्ट व्यू आ रहा है, उसके बाद नीचे बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस वाइज लीनियर हॉरिजेंटल व्यू नहीं यूज़ हुआ, लीनियर वर्टिकल यूज़ हुआ है। ठीक है ना, वर्टिकल में क्या होते हैं कि चीज़ें नीचे को जाती हैं, वर्टिकली जाती हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वर्टिकली जा रहे हैं, तो सिंपल हम इसके अंदर लीनियर वर्टिकल यूज़ करेंगे। एक लीनियर वर्टिकल कैसे यूज़ करना है? सिंपल, लीनियर वर्टिकल उठाएंगे आप, ठीक है, और इसके अंदर रख देंगे। अब लीनियर वर्टिकल के अंदर आप जो भी चीज़ रखेंगे वो नीचे को जाएगी। ठीक है, वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर एक इमेज रखें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये मैंने लोगो सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। ठीक है ना, अब ये इसके नीचे अगर हम टेक्स्ट रखेंगे, कोई भी चीज़ रखेंगे, बटन रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, वो इसके नीचे ही आते जाएंगे। ठीक है, अब हमें जैसे कि देख रहे थे कि इसके अंदर सीक्वेंस वाइज नीचे वर्टिकली आ रहा है, तो हमें बजाय इसके बार बार कंस्ट्रेंट करने के, हमने सिंपल एक ही दफ़ा हमने सेलेक्ट किया लीनियर वर्टिकल और उसके अंदर हम चीज़ें रखते जा रहे हैं और नीचे सीक्वेंस वाइज आता जाएगा। तो बहुत ईजी है, वर्टिकल रिलेटिव कंस्ट्रेंट आप खुद यूज़ करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब बटन को ख़त्म कर देते, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं। साइज़ छोटा करने के लिए सिंपल आप इसकी हाइट विड्थ दे देंगे 250 दे दें, जो आपको पसंद आए। 250 ज़्यादा है, मैं इसको 200 दे देता हूँ, और हाइट भी इसकी इतनी देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका टेक्स्ट चेंज कर दूँ। टाइटल का चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, एट्रीब्यूट्स के अंदर आके इधर लिख देते हैं टिक टैक गेम। ठीक है, अब इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट लिखेंगे इधर, फॉन्ट कोई भी सिलेक्ट कर लें आप, एक्लोनी का यूज़ करते हैं और ये यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ बड़ा हो, सिंपल इधर साइज़ लिखेंगे और साइज़ 48 रख देते हैं। ठीक है, 48 बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 34 कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जितना भी व्यू है सेंटर में आ जाए। इसको हम पहले सेंटर में ले जाते हैं, इसको आप सिंगल सिंगल को भी सेंटर में लेके आ सकते हैं, और आप अगर आप एक ही दफ़ा जो पेरेंट है इसको आप ग्रेविटी को चेंज कर देंगे जाके, तो आपके जितने भी ये बीच में व्यूज़ आएंगे वो सेंटर में आएंगे। वो आप दोनों करके दिखा देते हैं। अगर आप इसको सिंगल को लेना लेके जाना चाहते हैं सेंटर में, तो सिंपल आप जाके एट्रीब्यूट्स के अंदर ग्रेविटी यूज़ करें, लेआउट ग्रेविटी आ जाएगा आपके सामने। इसको आप करेंगे सेंटर, तो ये सेंटर में चला जाएगा। अब आप चाहते हैं कि टेक्स्ट इसको भी मैं सेंटर में लेके जाऊं, तो इसको भी सिंपल ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी, इसके अंदर ग्रेविटी आ जाएगी। लेआउट ग्रेविटी कब यूज़ होती है? जब आपने पूरे लेआउट को लेकर जाना है। और ग्रेविटी क्या होगी? आप देख रहे हैं जब टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ तो इसके अंदर स्पेस अभी बाकी है। ठीक है ना, और आप जैसे कि आपको देख रहे हैं कि मैच प्रिंट है, अब इसकी जो पूरी विड्थ है वो मैच प्रिंट है। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इसको इसके अंदर लेके जाऊँ। जैसे कि हम इसको पहले बैकग्राउंड दें ताकि हम दादा हो जाए, बैकग्राउंड देते हैं इसको, कोई भी दे दिया। ठीक है ना, अब देख लें इसकी जो विड्थ है अब मैच प्रिंट है। ऐसा भी आपके सामने कुछ होगा कभी बार कि आप चाहते हैं कि सिर्फ इसकी विड्थ मैच प्रिंट हो और मैं टेक्स्ट को सेंटर में लेके जाऊँ। ठीक है, वो क्या होगा? आप सिंपल इसको सेलेक्ट करें, ग्रेविटी इधर लिखेंगे और ग्रेविटी आप अप्लाई करेंगे, सेंटर करेंगे ग्रेविटी, वो सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ पूरे लेआउट को लेके जाऊँ। ठीक है, तो हम इसको पहले रैप कर लेंगे, अभी इधर आ गया, अब इसको सेंटर में लेके जाना है, तो हम लेआउट ग्रेविटी यूज़ करेंगे। लेआउट ग्रेविटी बहुत ईजी है, ग्रेविटी आप दोनों का आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, खुद यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सिंपल इधर टेक्स्ट का कलर चेंज लिखेंगे, वो कलर चेंज हो जाएगा, कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आप इस डेमो के अंदर देखते हैं कि ये आपके पास रोज एंड कॉलम्स में बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो इसको तो आप एक कंस्ट्रेंट लेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, मैनुअली बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको बहुत इजी वे से हम कैसे बना सकते हैं? सिंपल टेबल लेआउट, आपको अंदाज़ा होगा कि टेबल के जब नाम आता है तो आपको जहन में क्या चीज़ आती है, रोज एंड कॉलम्स आते हैं, तो ये आपके सामने रोज एंड कॉलम्स है। सिंपल हम यहाँ पे आएंगे, टेबल लेआउट लिखेंगे, टेबल लेआउट को पकड़ेंगे और लीनियर लेआउट के अंदर रख देंगे। क्यों लीनियर लेआउट के रखेंगे? इसका पेरेंट लीनियर लेआउट इसलिए बनाया है,
आप देख सकते हैं कि वो नीचे को वर्टिकली आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको भी नीचे लेकर आना, तो इसको हम टेबल हेड को लीनियर वर्टिकल के अंदर रख दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चार रोज़ हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें कितनी रोज़ चाहिए, एक दो तीन, तीन रोज़ चाहिए, तो एक रोज़ को हम ख़त्म कर देंगे। एक रो को अब हमने ख़त्म कर दिया। अब हमें क्या चाहिए कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नौ बटन लगे हुए हैं, ये बटन है बेसिकली, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब हम नौ बटन रखेंगे इसके अंदर, हर रो के अंदर कितने बटन हैं, तीन बटन है, ठीक है ना, हम तीन तीन बटन हर रो के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो चलें अब बटन रख लेते हैं, पहले इधर सिंपल यहाँ पे आके बटन लिखेंगे और इसको आप फर्स्ट रो में रख देंगे। अब हमें कितने बटन चाहिए, तीन, तो एक बटन और रख दिया, दो हो गए, इसके बाद हमने एक बटन और रखा, तीन बटन हो गए, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह तीन बटन हमें नीचे भी चाहिए, इनको कॉपी करेंगे, ठीक है, सिंपल यहाँ पे उठा के इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर आगे पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब हमें तीन बटन और चाहिए इसके अंदर, टेबल रो के अंदर, इसके अंदर भी कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। अब हमारे पास कितने बटन हो गए, नौ बटन हो गए। अब हम इसका साइज़, हाइट, विड्थ दोनों सेट कर लेते हैं और कलर भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ कितना देना है आपने देख लेते हैं, हम इसको रैप कंटेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, साइज दे लेते हैं 45 dp। जब इसके अंदर dp देंगे कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि टेबल लेयर के अंदर dp नहीं pt चलता है, तो हम dp की जगह pt लिख देंगे, ठीक है। ये देखें आपके सामने दोनों की इसकी हाइट बड़ी हो गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सारी हाइट सब में दे देनी है। इसको कॉपी किया, इधर से सब बटन को सिलेक्ट करते जाएंगे और इसकी हाइट देते जाएंगे। सब बटन की हाइट आपके सामने मैं दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाइट कैसे देनी है इनकी। इसके बाद ठीक है, अब आपने देखा कि सबको हाइट मिल गई। अब मैं चाहता हूँ कि हर मेरी ये जितने भी बटन हैं स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो वो क्या होगा कि हर बटन को हम इक्वल साइज़ दे देंगे, ठीक है ना। इक्वल अगर हमने स्पेस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए वेट यूज़ होता है। वेट में क्या होता है, अगर हम एक बटन को आगे सेलेक्ट करेंगे, इधर वेट लिखेंगे, तो क्या होगा आप देख लेते हैं। आपने देखा कि हम जैसे ही वेट लिखा तो इसको हाफ प्लेस मिल गई है, बाकी इसको अलग अलग स्पेस मिली है, ठीक है। अब हम चाहते हैं तीनों बटन को इक्वल स्पेस मिले स्क्रीन की, तो हम सबके अंदर वेट दे देंगे। जैसे ही वेट दे रहे हैं आपके सामने देखें इक्वल बटन स्पेस मिलती जा रही है, नौ बटन का हमने वेट दे लिया है, ठीक है। अब हम इनके अंदर मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन हम पहले लेफ्ट राइट दे लेते हैं, इसका लैप कंटेंट कर लेते हैं, ठीक है। मार्जिन देने के लिए सिंपल हमें लेफ्ट टू राइट मार्जिन देना, तो बजाय इसके हम एक एक रो को पकड़ के मार्जिन दें, हम सिंपल जहाँ पे लेआउट्स रखे हुए हैं, ठीक है, उसको मार्जिन दे देंगे। मार्जिन पे क्लिक किया, लेफ्ट पे दिया मार्जिन हमने 10 का और राइट पे दे दिया हमने मार्जिन 10 का, ठीक है। अब हम चाहते हैं सेंटर में मार्जिन आ जाए, तो सिंपल सेंटर वाली रो को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये रो नहीं है, बेसिकली कॉलम है, तो हम ये सेंटर वाले बटन को सेलेक्ट करेंगे, सबको इनको मार्जिन दे देंगे सेंटर में से, लेफ्ट राइट करेंगे 10 10 मार्जिन दे देते हैं, ठीक है, ताकि अंदाज़ा हो जाए हमें। जैसे ही मार्जिन दी है आप सामने देखें कि मार्जिन तो आ गए और सेम वैसे ही लेआउट बनता जा रहा है, ठीक है। अब हम इसके दरमियान भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे लेते हैं, चलिए वो बाद में दे लेंगे, जब आपके सामने कुछ हुआ तब आपको दिखाऊंगा। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर क्या चेंज करना है, सिंपल सबको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने सब सेलेक्ट किया है, इधर बैकग्राउंड में आएंगे, ठीक है, और हम इसको बटन्स को बैकग्राउंड टिंट में अंदर आके बटन का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड टिंट के अंदर आके चेंज कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अब सेम हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो जाए, तो बटन्स को सिलेक्ट किया सबको और इसका टेक्स्ट कलर हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और इसको टेक्स्ट की हाइट कर देते हैं 48 और इसका जो बटन लिखा हुआ है इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट को एक्स, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि इसके अंदर कैसे वो हमें शो होगा। अब देखें अच्छा लग रहा है, अब इसको बोल्ड भी कर देते हैं ताकि और प्यारा खूबसूरत हो जाए, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इस लेआउट को थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे दें, जैसे कि इसके अंदर मार्जिन मिला हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ी लेआउट छोटे हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप छोटा कर लें बड़ा कर लें, आपके अपने कंट्रोल में होता है, ठीक है ना। अब इसको हम ऊपर से थोड़ा मार्जिन दे लेते हैं, मार्जिन 20 दे लेते हैं, ठीक है। अब हमने सबको सेंटर में लेकर ना सिंपल आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी व्यूज़ हैं किसके अंदर पड़े हुए हैं, लीनियर वर्टिकल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, लीनियर वर्टिकल को सिलेक्ट करूँगा और इसकी ग्रेविटी को सेंटर कर दूँगा। ठीक है, अब जितने भी इसके अंदर व्यूज़ हैं, क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि अगर ये इसको रैप कंटेंट करूँगा तो तब सेंटर नहीं जाएगा। ठीक है, तब मैं इसको सेंटर को लेकर आने के लिए मुझे लेआउट ग्रेविटी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि देख सकते हैं कि मैच पेरेंट था लीनियर वर्टिकल, तो इसके अंदर व्यूज़ को मैंने सेंटर में लेके आना था, तो सिंपल मैंने ग्रेविटी इसको सेलेक्ट की, तो इसके अंदर जितने व्यूज़ थे सब सेंटर में आ गए। तो अब इसका भी लेआउट थोड़े छोटे कर लें ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और जैसे कि हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया, अब इसको हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि क्या इसके ऊपर अभी तक हमने काम किया है। जैसे ही रन किया है तो आप देख लें कि आपके सामने ये पूरा लेआउट जो हमने उधर बनाया था वो आपके सामने आ गया। तो इसके अंदर एक्सिस ख़त्म कर देते हैं, जब क्लिक करें तब एक्सिस आए शो। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आके सबको सेलेक्ट करेंगे, इसका एक्स ख़त्म कर देते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट था। ठीक है, इसका भी इसी तरह करेंगे। अब इसी तरह नीचे वाला को सेलेक्ट करेंगे, इसके एक्सेस भी ख़त्म कर देंगे। अभी हमारा लेआउट पूरा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक हो तो हमारी वैल्यू स्टोर हो, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म हो, जिसके ऊपर अब मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करने के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक्स आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो वो सब कैसे होगा, ये सारा काम बैकएंड पे होगा कोड के अंदर। ठीक है, इस कोडलिन फाइल के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके अंदर हम जब बटन पर क्लिक करते हैं तो एक एक्स आ जाता है, उसका ऊपर कलर चेंज होता है, बॉक्सेस का ग्रीन हो जाता है, और दूसरा जो प्लेयर होता है वो जब सेलेक्ट करता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ कैसे करना है वो हम कोड के थ्रू करेंगे। ठीक है, वो आए अब हम देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपने टेंशन नहीं ले रही। अब इसकी फाइल आप देखें, एक्टिविटी गेम एक्टिविटी है। ठीक है, अब इसकी कोड हमने करना है तो हम गेम एक्टिविटी के अंदर जाएंगे। ठीक है, उसमें जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब ये नो बटन है, जैसी बात है कि बटन पे क्लिक होने पे एक फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो हाँ, हम एक फंक्शन बना लेंगे जो सब बटन के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि सेम फंक्शन परफॉर्म होना है। ठीक है, कि जैसे पहले इस पर क्लिक होना है तो एक्स आएगा या जीरो आएगा। ठीक है, तो सब बटन पे एक ही फंक्शन लगेगा और इसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर करेंगे और इसके ऊपर शो करवा देंगे और उसके बाद हम विन करवा देंगे। चले आए, हम कोड पे काम करते हैं। गेम एक्टिविटी के अंदर आए, सारा काम इधर होगा। फंक्शन आपने बनाना है अगर, तो आपने जो इसकी ये बॉडी है, ठीक है, इसके बाहर बनाना है और इसको फिर उसके अंदर कॉल कर देना है। चलें फंक्शन बनाते हैं और देखते हैं कैसे परफॉर्म होगा सारा काम। लेट्स सी, होप हम इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे और आपको समझ आ रहा होगा। फंक्शन परफॉर्म करने से पहले हम बटन को आईडी देंगे, क्योंकि हमने बटन को इधर एक्सेस करना है तो उसके लिए आईडी देना ज़रूरी है। तो हम दोबारा से गेम एक्टिविटी में जाते हैं और बटन को आईडी दे देते हैं। ठीक है, बटन को आईडीज मिली हुई हैं लेकिन हम अपने हिसाब से दे देते हैं ताकि हम याद रहें। ठीक है, पहले बटन को BU1 कह देते हैं, दूसरे बटन को BU2 दे कह देते हैं, तीसरे बटन को BU3 कह देते हैं, और इसी तरह हम सब बटन को आईडी सेट कर देंगे। आईडीज देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आईडीज नहीं ही देंगे तो हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे इसको। ठीक है, तो काइंडली आईडीज ज़रूर दीजिएगा। अगर आईडीज आप खुद से नहीं देंगे तो वो पहले से आईडीज मौजूद होंगी लेकिन आपको याद नहीं होगा कि कौन सी आईडी किस बटन के लिए यूज़ हुई है। ठीक है, तो इसलिए खुद से आईडी दीजिएगा ताकि आपको याद रहे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो हम इसलिए इन बटन्स को आईडी दे चुके हैं अभी तक। BU7 हो गया और इसके बाद BU8 और लास्ट बटन को हम BU9 कर देते हैं। अब इसके बाद फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन कैसे बनाना है, सिंपल, जाके गेम एक्टिविटी के अंदर जाएंगे और यहाँ इसके बाहर हम फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कैसे बनाया जाता है, FU1 fun लिख के जो भी आपने उस बटन पे क्लिक होने पे फंक्शन परफॉर्म कराना है, कोई भी आप हम नाम रख सकते हैं, BU click रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, अब इसके अंदर जर सी बात है कि आप जिस बटन पे क्लिक हो, जितने भी ये बटन यूज़ हुए हैं इनको व्यूज़ कहते हैं। ठीक है, अब इनको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए वहाँ पे हम किसी वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम इसीलिए यहाँ पे एक व्यू का वेरिएबल बनाएंगे। ये अब व्यू, ये व्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि हम वो जहाँ पे जो वहाँ पे व्यूज़ यूज़ हुए हैं उनको यहाँ पे एक्सेस कर सकें। यहाँ पे ऑल एंटर कह रहा है, दबाएं इसको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जिस बटन पे क्लिक हो उसकी आईडी हम किसी बटन के अंदर स्टोर करवा दें, हम पता चले कि किस बटन पे क्लिक हुआ है। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। आपको मैंने पहले कहा था कि आपने जितने से वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं आपने वॉल के थ्रू करवाने हैं। ठीक है ना, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। वॉल कोई भी हम एक नाम रख लेते हैं कि व्यू सिलेक्टेड, जो सा भी बटन सेलेक्ट हुआ है, इज इक्वल व्यू एज बटन, मतलब जो से बटन पे भी क्लिक हुआ है वो वाला व्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगा।
अब बटन की आईडी हमने इसके अंदर स्टोर करवा ली है, ठीक है ना। जिस बटन में भी क्लिक होगा उसकी आईडी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अब हम चाहते हैं कि किस बटन पे क्लिक हुआ है, कि BU1 पे, BU2 पे, BU3 पे, इनको आगे हमने स्टोर करवाना है, तो हम इनको ये सेल आईडी का नाम दे देंगे, ठीक है। जिस बटन पे भी क्लिक हुआ है उस सेल का नाम दे देंगे 1। अगर इस बटन पे क्लिक हुआ है तो इसका सेल का नाम 1 दे देंगे, इस बटन पे क्लिक हुआ है तो इस बटन को नाम दे देंगे 2, और इस बटन पे क्लिक हुआ है सेल का नाम 3 दे देंगे। इस सेल की आईडी देने के लिए तो हम सिंपल एक वेरिएबल बनाएंगे सेल आईडी के नाम से, वार, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होनी है। जिसकी वैल्यू चेंज होनी है वो वाला वेरिएबल वार के थ्रू बनेगा। सेल आईडी इक्वल 0, जाहिर सी बात है कि हम 0 रखें, अभी कोई भी आईडी सेलेक्ट नहीं है तो इसलिए 0 है। इसी तरह अब हम स्विच केस लगाएंगे। स्विच इसके अंदर कैसे लगता है, व्हेन BU सिलेक्टेड, कौन सी बटन आईडी पे सिलेक्ट हो देन कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो। ये BU सिलेक्टेड डॉट आईडी काम क्या करती है, बेसिकली ये BU सिलेक्टेड इसका मतलब ये है कि जौन से बटन है ये इनमें से कोई भी सिलेक्ट होता है तो इसकी ये जो आईडी है, अगर इस क्लिक होता है तो इसकी आईडी, ठीक है, हम इसकी आईडी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे पता है इनको आईडी दी हुई है हमने, ये आईडी दी हुई है, इसको आईडी दी हुई है, इसको आईडी दी हुई है। जैसे ही उस पर क्लिक हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया आर डॉट आईडी डॉट, पहला बटन कौन सा है, BU1। मतलब इसका क्या है कि इसी चेक करेगा कि आर डॉट आईडी बटन 1 पे क्लिक हो। अब हमने इधर आगे देखा ये बटन है, ठीक है ना, इस पे उसने चेक किया, क्लिक किया है। अब इसकी आईडी, इस पे क्लिक हुआ है तो इसकी आईडी क्या है, BU1। हमने क्या कह दिया कि जब इस बटन पे क्लिक हो देन क्या हो, जब इस बटन पे क्लिक हो देन सेल आईडी हम कर देंगे 1। जाहिर सी बात है हमने ये चेक करना है कि सेल आईडी कौन सी है, क्योंकि आगे जाके हमने इसके अंदर ये चेक करना होगा। इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक हो गया तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक ना हो, तो इसको हमने सेल आईडी 1 कर दिया है, ठीक है ना। जब इसके ऊपर क्लिक हो गया देन इसके ऊपर कोई भी दूसरा फंक्शन दोबारा परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद इसी तरह सब बटन्स को हमने आईडी सेलेक्ट कर दिया, आर डॉट आईडी डॉट BU2 सेल आईडी इज इक्वल टू आर डॉट आईडी डॉट BU3 सेल आईडी इज इक्वल 3, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार वही एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, और इधर पेस्ट कर देते हैं, नौ चाहिए थे, ठीक है। ये BU4 कर देते हैं, इसको BU5 कर देते हैं, BU6 कर देते हैं, 7 8 8 9, 4 5 6 7 8 9। आप देख लें कि जैसे ही जिस आईडी पे बटन पे क्लिक हुआ है उसकी हमने आईडी लिया, और उसके बाद हमने सेल आईडी को 1 कर दिया। अब हम देख लेंगे कि जौन सा भी हमने काम अभी तक किया है जैसा हमने सोचा है वैसे ही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब हम कैसे देख सकते हैं, इस लॉग के थ्रू देख सकते हैं। एक अब टोस्ट के थ्रू देख सकते हैं, लॉग के थ्रू देख सकते हैं। लॉग में देख लेते हैं, लॉग डॉट डी, अब इसके अंदर बता देंगे सेल आईडी, BU क्लिक। अब BU क्लिक पे हम बताएंगे कि अगर BU सिलेक्टेड, ये जो बटन सिलेक्टेड इसकी आईडी ले हम चेक करेंगे। सर पता है हम जो भी बटन क्लिक हुआ है उसकी आईडी तो पहले देखेंगे, हमने आईडी हमारे पास आ भी नहीं है कि नहीं आ रही, आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये इधर एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है कि ये जो हमने स्विच यूज़ किया है हमने इसको अंदर ही ये काम शुरू कर दिया है, ठीक है ना। हमने ये वाला काम इसके बाहर करना है, ठीक है ना। आपने याद रखना है कि अगर आपका भी इसी तरह इशू आ रहा हो तो आपने ये वाला काम इसके बाहर करना है, जैसे इफ स्विच फॉर लूप कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं उनके बाहर करना होता है। अभी देखें इधर एरर नहीं आएगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं और चेक करते हैं कि जो अभी तक हमने काम किया है उसकी आउटपुट वैसी आती है कि नहीं आती। लेट्स सी, जैसे हम इसको रन करते हैं हमारे पास ये आ जाता है। अब इधर लॉकेट ओपन कर लेते हैं। अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास इधर कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि हमने ये फंक्शन जो हमने बनाया है हमने इस बटन के ऊपर परफॉर्म नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया, कि जाहिर सी बात है कि इस बटन पे क्लिक होने पे ये फंक्शन परफॉर्म हो, तो हमने ये कहीं पे नहीं बताया कि इस बटन पे क्लिक होने पे ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो। वो कहाँ पर बताना है, सिंपल अब बटन के अंदर जाएंगे, लेआउट के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब इधर BU1, BU2, BU2 इसके ऊपर फंक्शन हमने पहले शुरू में बता दिया था कि इन पे क्लिक होने पे हमने फंक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। लेकिन हमने कहीं भी नहीं बताया कि इस पे क्लिक हो तो ये फंक्शन परफॉर्म हो। आप ये तीनों बटन को सेलेक्ट करें और इधर लिखें ऑन क्लिक,
जब ऑन क्लिक लिखेंगे इधर आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही हमने फंक्शन बनाया था बी यू क्लिक के नाम से। अब इसे आप करते हैं, ठीक है ना। अब इसे ओके कर दिए तो अब इन तीनों के ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म हो चुका हुआ है, ठीक है ना। अब इसी तरह बाकी सेलेक्ट करेंगे, इधर आए, अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह ये बाकी तीन बचे हैं, इनको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। अब रन करते हैं और देखते हैं कि अब भी हमारी आउटपुट वैसी आती है कि नहीं आती, लेट्स सी। जैसे ही रन किया हमारे पास ये आउटपुट आ गई। अब जब इस पर क्लिक करते हैं, लॉकेट ओपन कर लेते हैं, अब बटन वन पे क्लिक किया, ये देखें हमारे पास एक इस बटन की आईडिया आ गई। इस पर क्लिक किया, 8 बढ़ता जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे 9, इस पर क्लिक करेंगे 80, इस पर क्लिक करेंगे, हर डिफरेंट बटन की डिफरेंट आईडी है, ठीक है ना। अब हम इन पे जो आज हर डिफरेंट बटन की डिफरेंट आईडी है, अब हमने जो इन पे सेल आईडी सेलेक्ट की थी कि BU1 पे क्लिक हो तो इसकी सेल आईडी 1 हो, इस पे क्लिक हो तो इसकी सेल आईडी 2 हो, ठीक है। अब वो भी हम लोकर पे देख लेते हैं। उससे पहले हम इसको सेट करना होगा सिंपल। इधर आगे जैसे ही हमने ये BU सिलेक्टेड की आईडी हमने वहाँ पे शो करवाई, इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं सेम ऐसे ही ये प्रोसेस, और इधर पेस्ट कर दिया। और ये इधर स्ट्रिंग के अंदर हम लिख लेते हैं कि सेल आईडी, ये सिर्फ वहाँ पे टेक्स्ट शो होगा, ठीक है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। और इधर हमने बताना है कि ये तो हम आईडी नहीं चाहिए, अब हम सेल आईडी चाहिए, सिंपल सेल आईडी टू स्ट्रिंग, ठीक है। जब आप इसको रन करेंगे देखते हैं अब क्या हमारे पास आउटपुट आती है। चलें अब इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास बटन वन पे क्लिक होने पर सेल आईडी 1 आती है कि नहीं आती। लॉकेट ओपन करते हैं, बटन वन पे क्लिक किया, सेल आईडी 1, ठीक है। बटन फाइव पे क्लिक किया, सेल आईडी 5। बटन नाइन पे क्लिक किया, सेल आईडी 9। तो अब हमने सेल आईडी और जो बटन की आईडी है, ठीक है, वो हमने सेट भी करवा दी और गेट भी कर ली है। बेसिकली हमने ये लोकेट सिर्फ आपको दिखाने के लिए यूज़ किया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो हमने अभी तक काम किया है वो सही तरह परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हम चेक कर लें कि इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने चेक कर लिया है तो इसको हम सिंपल कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने क्या काम करना है कि हमने देखना है कि इस बटन पे क्लिक होने पे हमारा वैल्यू सेट हो और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है। वो सब कैसे होगा, आए उसके लिए भी एक फंक्शन बनाएंगे और वो हम इधर आके कॉल कर देंगे। अब नया फंक्शन बनाते हैं, नया फंक्शन किस नाम से बनाएंगे वो देख लेते हैं, फन प्ले गेम। प्ले गेम, अब हमने ये एक नया बना लिया है फंक्शन। फंक्शन के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, जाहिर सी बात है कि हम बटन की हमें सेल आईडी भी चाहिए, ठीक है, और हमें उसकी बटन की आईडी भी चाहिए। तो इधर हम पहले हमें बटन चाहिए था तो हमने इसके अंदर व्यू लिया था, अब हमें क्या चाहिए, सेल आईडी। तो इधर हम क्या करेंगे, सेल आईडी लिखेंगे, सेल आईडी हमारी इंट के अंदर है। और अब देखते हैं क्या कह रहा है, ऐड फंक्शन बॉडी, ठीक है, फंक्शन की बॉडी ऐड करनी ये ज़रूरी होती है, ठीक है ना। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो एरर आता रहेगा। इसके बाद क्या करना है, हमने इंट में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, कि इधर इसके अंदर इंट का आई बड़ा होगा, ये आपने हमेशा याद रखना है कोडिंग के अंदर। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, बटन सिलेक्टेड, BU सिलेक्टेड बटन, इसकी तरह सी बात है। टाइप क्या होगी, बटन, इसकी टाइप इंट थी, इसकी टाइप क्या होगी, बटन। अब इसके बाद हमने क्या काम करना है, ठीक है ना। अब ये हमारा ये सारा काम तो हो गया, अब हमने बताना है कि एक्टिव प्लेयर, जो भी हमारा एक्टिव प्लेयर है उसकी हमने जो भी सेल आईडी है उसमें हमने एक ऐड करते जाना है ताकि दोबारा से वो उस पर क्लिक ना कर सके। इसको हम इसके बाहर परफॉर्म कर लेते हैं, जो भी इनिशियलाइज करवाना है। अब इसके अंदर हमने बता दिया कि वार एक्टिव प्लेयर, अगर तो वन है तो वो एक्टिव प्लेयर है, ठीक है। अब हमने दो प्लेयर थे हमारे पास, उनकी रे बनेगी, जैसी सी बात है कि जितने बटन पे क्लिक करता जाएगा उसका वो एक वैल्यू स्टोर होती जाएगी। वैल्यू स्टोर करवाने के लिए जैसी बात हमें रे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब इस पर क्लिक हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या स्टोर होगी, एक उसके पास स्टोर हो गया। इसके बाद अब प्लेयर टू ने इस पर क्लिक किया है तो प्लेयर टू की इसकी वैल्यू स्टोर हो गई है। जिस जिस बटन पर क्लिक करता जाएगा इसकी वैल्यू स्टोर होती जाएगी। अब हमने प्लेयर वन की पहले रे बना लेनी है, प्लेयर वन इज इक्वल रे लिस्ट, रे लिस्ट हमें दर्शी बात है इंट में चाहिए। अब इसका ये बंद कर देना। अब प्लेयर टू के लिए भी हमें चाहिए, वार प्लेयर टू इज इक्वल इंट में, दर्शी बात है कि वो हमारे आईडीज जो आ रही इंट में आएंगी, ठीक है। अब इसकी हमने बॉडी लगा देनी है। इतना सा काम करने के बाद आपने दोबारा फंक्शन में आ जाना है। ये सिर्फ आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करवा ली और ए लिस्ट बना ली प्लेयर्स की। इसके बाद अब आके आपने बताना है कि जब इफ एक्टिव प्लेयर जो हमारा है वन है देन हमने क्या करना है।
तब हमने बी यू जो सिलेक्टेड है उसका टेक्स्ट क्या कर देना है, इज इक्वल एक्स कर देना है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्टिव प्लेयर है, जिसने भी इसके ऊपर क्लिक किया, जिसने भी सबसे पहले परफॉर्म किया है, जो हमारा एक्टिव प्लेयर वन है, उसके ऊपर हमने क्या कर देना है कि एक्स हमने इसके टैक्स के ऊपर शो कर देना है। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स में होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब इधर आए हम, अब हमने देखा कि जैसे ही इस बटन पर क्लिक हुआ है, ठीक है, इसके टैक्स में वो जाएगा, इसके बटन पर क्लिक हुआ इसके टैक्स में जाएगा वो, और इधर एक्स इस तरह आपके सामने शो हो जाएगा। इसी तरह अब हमने आगे क्या करना है, ये प्लेयर वन के लिए। इसके बाद अब हमने इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का। बी यू सेलेक्टेड डॉट सेट बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें सेट बैकग्राउंड सोर्स चाहिए, आर डॉट आई डी डॉट, ठीक है, आर सॉरी कलर चेंज करना है तो आर डॉट कलर डॉट, हमने अभी तक कोई कलर नहीं बनाया हुआ तो हम कलर्स बना लेते हैं, ब्लैक है, ब्लैक हमें चाहिए नहीं, तो हम कलर्स न्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल हम इसके अंदर जाते हैं कलर्स के अंदर, इधर आके हम दो कलर्स बना लेते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट कॉपी, इसको कहते हैं येलो, ठीक है, और इसको कह देते हैं ग्रीन, ग्रीन वाला पहले ही बना हुआ है, ठीक है, तो उसके हम नहीं लेते। येलो का कलर हमने आईडी चेंज कर दी ताकि येलो बन जाए हमारे पास, इधर है हमने इसका कलर येलो कर दिया। ठीक है, अब हमारे येलो हो गया। अब हमने क्या क्या कि जैसे ही एक्टिव प्लेयर वन हमारे पास, प्लेयर वन ने हमारे पास क्लिक किया, उसका जो टेक्स्ट है वो एक्स अपने उधर स्टोर करवाना है, और उसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा प्लेयर वन का, वो हमारे पास क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया था सेल आईडी किस लिए यूज़ होगा कि दोबारा हम उस पर क्लिक ना कर सकें और उसकी जो आईडी है उसमें वो स्टोर होता जाए। प्लेयर वन डॉट एड सेल आईडी, जैसे ही प्लेयर वन इस बटन पे क्लिक करेगा, इसकी जो हमने सेल आईडी सेट की थी वो इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो बटन है ये दोनों के लिए अनयूज हो जाएगा। ठीक है ना, वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब क्या होगा इसके बाद, अब हम क्या कर देंगे, एक्टिव प्लेयर जो हमारे पास है उसके लिए ये बटन क्या कर देना है, एक्टिव प्लेयर टू कर देना है। ठीक है, मतलब एक्टिव प्लेयर अगर एक्टिव है तो ये सारा फंक्शन परफॉर्म होगा, और जो हमारा जो दूसरा प्लेयर है वो इस बटन के ऊपर जो क्लिक हुआ है वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अगर हमारे पास एक्टिव प्लेयर ये नहीं है, देन हमने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, अगर हमारे पास एक्टिव प्लेयर दूसरा है, ये प्लेयर वन के लिए था, अब हमारे पास प्लेयर टू के लिए क्या करना है, अगर हमारे पास प्लेयर टू आ गया है, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि अब ये बटन पे परफॉर्म कर लिया है, अब अगले बंदे ने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि हम सिंपल इधर आए, सेम वही काम है, बी यू सेलेक्टेड डॉट टेक्स्ट, इसके लिए हम जीरो सेट कर देंगे, और इसका बैकग्राउंड हम क्या सेट कर देंगे, बी यू सेलेक्टेड डॉट सेट टेक्स्ट बैकग्राउंड, सेट बैकग्राउंड सोर्सेज आर डॉट कलर डॉट, इसका हमने येलो सेट किया था, ग्रीन सेट किया था, इसको येलो सेट कर देते हैं। इसी तरह प्लेयर टू की जो सेल है, रे लिस्ट जो हमने बनाई थी उसके अंदर हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे सेल आईडी, ये रे लिस्ट के अंदर ऐड होता जा रहा है, और एक्टिव प्लेयर इज इक्वल टू वन, मतलब जो प्लेयर वन है वो हमारा ये काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म होता है कि नहीं होता। ठीक है ना, लेट्स सी क्या होता है। ये हमारे पास स्क्रीन ऑन हो चुकी है, अब हम देखते हैं कि जो भी अभी तक हमने काम किया है वो वैसे ही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ही हम बटन वन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि इसकी हम आईडी चेंज होती है कि नहीं होती, इसका कलर चेंज होता है, टेक्स्ट में आता है कि नहीं आता, लेट्स सी। जैसे इस पर क्लिक की है तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा कि हमने इसके ऊपर जो इसका बटन है इसको इनेबल नहीं किया हुआ। ठीक है ना, जब तक हम इसको इनेबल नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। लेट्स सी, अब हम इसके अंदर आए, बी यू सेलेक्टेड इज इनेबल, फॉल्स कर देंगे, इज इक्वल, पहले फॉल्स करना है, जैसी बात है पहले हमने इसको नहीं रखना, जैसी बटन पे क्लिक हो, ठीक है, जैसी बात है कि बार बार इसने रिपीट होना है, तो अब इसको हम रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी भी ये आपके सामने नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कि हमने ये वाला जो फंक्शन है इस बटन के ऊपर परफॉर्म नहीं किया, ऑन क्लिक के ऊपर, इस ऑन क्लिक के ऊपर क्या परफॉर्म हुआ हुआ है आपको दिखा देता हूँ। ऑन क्लिक बी यू वाला फंक्शन, इसके अंदर आएंगे हम, हमारे पास कितने फंक्शन बने हुए हैं, एक बी यू क्लिक फंक्शन बना हुआ है और हमारे पास प्ले गेम का फंक्शन हुआ है, तो हमने बी यू क्लिक वाला फंक्शन उसके ऊपर ऑन क्लिक लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो अब हमने ये जो फंक्शन बना लिया है
इसको हम इसके अंदर कॉल कर देंगे, ठीक है ना। सिंपल क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये बी यू क्लिक वाला है इसके अंदर आए और इसके अंदर हमने वो वाला फंक्शन परफॉर्म कर दिया, प्ले प्ले गेम, इसके अंदर सेल आईडी दे दी और हमने क्या दे दिया, बी यू सेलेक्टेड। जाहिर सी बात है कि वो सारा काम इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है, यहाँ से जितना भी काम हमने किया है वो सारा काम होने के बाद इसके अंदर सेल आईडी जाके स्टोर हो जाएगी और बी यू सेलेक्टेड के अंदर जाके आईडीज और कलर्स स्टोर हो जाएंगे। और वो जब हम इस पर क्लिक करेंगे बार बार तो वो इधर से जाएगा, चेक करेगा, उसके बाद आके जो भी कलर्स और जो भी एक्स या जीरो होगा वो आके इसके अंदर स्टोर करेगा, सेल आईडी चेक करेगा कि सेल आईडी पे क्लिक हुआ है, उसके ऊपर स्टोर करवा देगा और उसका कलर और बैकग्राउंड चेंज कर देगा, ठीक है। लेट्स सी, अब रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ये स्क्रीन हमारे पास रन हो चुकी है, अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन परफॉर्म वो होता है कि नहीं होता, हमारे पास वैल्यूज़ और कलर सेट होते हैं कि नहीं होते। लेट्स सी, जब इस पर क्लिक किया हमने, ये देखें हमारे पास एक्स स्टोर हो गया, अब इस पर क्लिक किया ज़ीरो हो गया, इस पर क्लिक किया एक्स हो गया। अब ये देखिए इसमें मार्जिन नहीं है, ठीक है ना। अब इसको भी हमने मार्जिन देना ताकि ऊपर नीचे से मार्जिन दें, और जब ये इस पर क्लिक होता है तो जब ये इसकी इंक्रीज़ होती है विड्थ तो ये ना हो, ठीक है ना, इसमें आपस में ना जुड़े। लेकिन आप ये चीज़ देख लें कि इसका जो बैकग्राउंड है वो इस पर सेट नहीं हो रहा, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास कलर्स क्यों नहीं सेट हो रहे और इसको मार्जिन देते हैं, ठीक है ना। अब कलर्स क्यों नहीं सेट हो रहे ये सब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप अगर लेआउट के अंदर आएंगे, ये डिज़ाइन है आपका, ठीक है ना, ये हमारे पास बटन है, इसको हमने अगर अगर आपके पास भी इस तरह अगर इशू आए कि आपका कलर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, बैकग्राउंड सेट करने पे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल बटन के इसके अंदर कोड के अंदर जाना है, ये स्प्लिट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आए आप, ये बटन जो जो सा है इसकी जगह अपने ऐप कॉम्पैक्ट बटन कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप ऐप कॉम्पैक्ट बटन करेंगे आप इसको हम वहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकेंगे और इसका हम वैल्यूज़ भी चेंज कर सकेंगे, ठीक है ना। जितने भी हैं हमने अब ऐप कॉम्पैक्ट बटन कर देने हैं, जितने भी आपके इधर बटन यूज़ हुए हैं, 9 के 9 बटन पे आपने ऐप कॉम्पैक्ट बटन सेट कर देना है, ठीक है, ताकि आपको बाद में इशू ना हो। और इसको हम मार्जिन दे लेते हैं ऊपर नीचे से, टॉप से दे देते हैं 10 dpi और बॉटम से देते हैं 10 dpi। पर अब रन करके देखते हैं कि हमारा जो इशू है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। इस पर क्लिक किया, लेट्स सी कि हमारा इशू सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। अभी ही हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको दोबारा देखते हैं कि हमारा इशू सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले हम अब आएंगे इसके अंदर लेयर्स के अंदर और इसके अंदर जाके देखेंगे एक बटन, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमने बटन रखा था तो हमने बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमने टिंट यूज़ किया था। टिंट को बेसिकली हम इजीली आराम से इधर से रिमूव कर देंगे, जैसे इसको रिमूव करेंगे तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ये सारे इश्यूज मैं इसलिए पीछे छोड़ देता हूँ ताकि बाद में आपको कल को इश्यूज आए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। अगर मैं इसको विदाउट इशू कर दूंगा, ठीक है, तो आपको अगर कल को इशू आते हैं तो आपसे ही हल नहीं होगा, तो देन फिर ये इश्यूज आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। काइंडली अगर आपको कल को कोई भी प्रॉब्लम इसके रिलेटेड आए, पॉइंट्स अपने नज़र में रखिएगा। अब आप इसको रन करते हैं और देखेंगे कि वो जितने भी हमारे इश्यूज थे वो सारे सॉल्व हो चुके होंगे और हमारा जो बैकग्राउंड वो भी सेट हो चुका होगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर बैकग्राउंड भी आ जाएगा और वैल्यूज भी जिस तरह हमारे पहले आ रही थी वो आएंगी। लेकिन जैसे इस पर क्लिक किया ग्रीन बैकग्राउंड आ गया, इस पर क्लिक किया हमारे पास येलो बैकग्राउंड आ गया। अब जिस मर्जी पर क्लिक करें हमारे पास बैकग्राउंड आ जाएंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसके जो बॉक्सेस के कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो जाएं और इसको आउटलाइन आ जाए, ठीक है। मैं कस्टम बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ। बेसिकली कस्टम बैकग्राउंड बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि आउटलाइन वाले बॉक्सेस होते हैं, बटन्स होते हैं और ये टेक्स्ट व्यू के ऊपर कस्टम बैकग्राउंड लगा होता है, तो वो सब कुछ कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ईजी है, कल को आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर कस्टम बैकग्राउंड बटन के ऊपर, टेक्स्ट व्यू के ऊपर या किसी भी एक बॉक्स के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। बहुत ईजी है, सिंपल। आप ड्राइवर पर आके राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ड्राइवर सोर्स फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने दो बैकग्राउंड बनाए, क्यों इसलिए बनाने हैं कि प्लेयर वन जब क्लिक करेगा तो ग्रीन बैकग्राउंड आएगा, जब प्लेयर टू क्लिक करेगा तो आपके पास येलो बैकग्राउंड आएगा। प्लेयर वन के लिए पहले बना लेते हैं प्लेयर वन बॉक्स। एक बात याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर कभी नहीं यूज करने, ठीक है ना, हमेशा आपने स्मॉल लेटर्स लोअर केस में बनाना है। अब इसके अंदर अब हम सेलेक्ट नहीं करना है, अब हमने शेप शेप के ऊपर काम करना है, तो शेप अब हमने क्या करना था, पहले कलर दे लेना। प्लेयर वन जब क्लिक करे तो हमारे पास कलर देने के लिए यहाँ पे सॉलिड यूज होता है, एंड्रॉयड कलर ग्रीन कलर दे देना है, ठीक है ना, और इसको बंद कर देने यहाँ से। अब हम चाहते हैं कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो वहाँ पे स्ट्रोक लग जाए। स्ट्रोक बेसिकली क्या होता है, आउटलाइन होती है। आउटलाइन दी, कलर दिया हमने येलो दे दिया, ठीक है। अभी शो क्यों नहीं हो रहा है, इधर आप देखेंगे इधर शो नहीं हो रहा है। अब इसलिए शो नहीं हो रहा है कि इसको हमने विड्थ नहीं दी। अब जब इसको विड्थ देंगे 4 dpi दे देंगे तो ये इतनी आ जाएगी, अगर हम
2 dB देंगे तो कम हो जाएगी, इसलिए हम 4 dB दे देते हैं ताकि मुझे वहाँ पे और खूबसूरत लगे। अब हम चाहते हैं कि इसकी राउंड्स हो जाएं, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे, रेडियस दिया है इसका सिंपल, आप 5 dB दे दें, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना ही बहुत है, ठीक है। अब ये आपका एक बॉक्स तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा बॉक्स भी तैयार हो जाए, सिंपल इसको कॉपी किया, टाइम की हम सेविंग करते हैं और इस पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल आपने प्ले टू बॉक्स कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। जब ओके किया आपने, उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रीन की बजाय येलो कर देना है और येलो की जगह आपने ग्रीन कर देना है, ठीक है। हमारे पास ये बॉक्स तैयार हो गया। अब हमने ये सेट कर रहे हैं। सेट करने के लिए हम गेम एक्टिविटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आके देखेंगे कि हमने पहले बैकग्राउंड कहाँ पर सेट किया होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब सेलेक्ट हुआ तो इसका बैकग्राउंड हमने क्या कर दिया, कलर ग्रीन कर दिया। तब हमने कलर ग्रीन नहीं करना, अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर जो हमने कस्टम बैकग्राउंड बनाया वो सेट करवाना है। वो कैसे सेट करवाना है आपने, सिंपल आप यहाँ पर ड्राइवर लिख देंगे, दर्ज की बता ड्राइवर के अंदर गए और कौन सा है, प्लेयर वन बॉक्स इधर लग जाए और इधर प्लेयर टू बॉक्स लग जाए। क्यों, दर्ज की बता प्लेयर वन क्लिक करेगा तो प्लेयर वन वाला आना चाहिए और प्लेयर टू बॉक्स इधर इंप्लीमेंट हो जाए। जैसे ही अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत खूबसूरत से बॉक्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो चुके होंगे। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। देखें, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपने देखा है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी राउंड हो चुके हैं और इसके ऊपर बॉक्सेस के ऊपर जो कलर्स हैं वो भी सेट हो गए हैं और इसकी आउटलाइन भी सेट हो चुकी है। इसी तरह दूसरे के ऊपर देखें आप, ग्रीन आउटलाइन सेट हुई है और येलो बैकग्राउंड सेट हुआ हुआ है, ठीक है ना। अब ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी हम बटन पर क्लिक करते जा रहे हैं इसकी खूबसूरती ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये सब कुछ तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अब इन बटन के ऊपर जब क्लिक हो जाए एक सीक्वेंस से, जैसी बात है कि एक रो के अंदर जब 3 एक्सिस आ जाएँ, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि प्लेयर वन विन हो जाएगी। अगर कॉलम टू के अंदर हमारे पास 0 आ जाएँ, ठीक है, सीक्वेंस से 3 इकट्ठे, ठीक है, तो उसके अंदर प्ले टू विन हो जाना चाहिए। इसी तरह हम जितने भी सीक्वेंस बन सकते होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए हमें गेम एक्टिविटी के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आके एक हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, चेक विनर के नाम से फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे पास अगर जो सा भी सीक्वेंस बनता है, हमारे पास अगर ये सीक्वेंस बनता है कि रो वन में अगर 3 एक्सिस इकट्ठे आ गए हैं तो प्लेयर वन विनर हो जाए, अगर रो के टू के अंदर 0 एक्सिस आ गए हैं इकट्ठे सीक्वेंस से तो रो टू वाला विनर हो जाए। तो अब हम ये एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए सिंपल फंक्शन चेक विनर लिखा और इसके अंदर आपने ब्रैकेट दे दी। अब हम इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जो हमें बताएगा कि विनर प्लेयर वन है कि प्लेयर टू है, ठीक है ना। वार विनर का एक वेरिएबल बना लिया और इसको हमने -1 कर दिया कि ये विनर वन नहीं है या विनर टू नहीं है, ठीक है ना। अब रो वन के लिए हम अब सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर बात आपको पता है कि इस रो वन के ऊपर प्लेयर वन भी विन कर सकता है, प्लेयर टू भी विन कर सकते हैं, तो हमें दोनों के लिए ये सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा। तो अब हम इधर लिखते हैं आगे, एक बार ऊपर मैं लिख देता हूँ कमेंट में, रो वन का सीक्वेंस, रो वन विनर, इफ़ प्लेयर वन कंटेन वन। इसका मतलब है कि अगर प्लेयर वन इसको सेलेक्ट करता है और एंड यूज़ करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे, एंड प्लेयर वन डॉट कंटेन्स टू, ठीक है, एंड प्लेयर वन डॉट कंटेन्स 3, और इसको अब हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ क्लोज कर देंगे। अब इसका काम क्या है, ठीक है ना, अभी चेक करेगा कि प्लेयर वन के अंदर अगर इसने इसको सेलेक्ट किया है, ये वन जिसे हम सेल आईडी ली थी, टू इसको सेलेक्ट किया है, उसके बाद 3 इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो सिंपल इसको प्लेयर वन डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। इसके हम क्या कर देंगे, विनर वन, विनर इज इक्वल टू 1, और अगर इफ प्लेयर टू डॉट कंटेन्स 1, ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो हमने सीक्वेंस प्लेयर वन के लिए बनाया है प्लेयर टू के लिए भी सेम सीक्वेंस होगा, तो एंड प्लेयर टू डॉट कंटेन्स 2, उसके बाद स्पेस दें एंड लिखें, प्लेयर टू डॉट कंटेन्स 3, ठीक है, और इसको अब हम विनर डिक्लेयर कर देंगे। अब इसके अंदर क्या लिख देंगे, विनर इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या देखना था कि विनर देखना था, ठीक है, कि अगर प्लेयर वन ये वाली सारी जो आईडीज हैं कंटेन्स करता है तो प्लेयर वन विनर वन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी सॉरी, इधर विनर वन लिखा हुआ, इधर हमने विनर टू करना है। अब हम इसको टॉस में शो करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा जो काम है वो फंक्शन परफॉर्म सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। इफ़ विनर वन, इफ़ विनर इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन क्या हो जाए,
टोस्ट डो टोस्ट टोस्ट बेसिकली होता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन लॉग इन करते हैं या कोई भी आपको एक मैसेज शो होता है तो नीचे से थोड़ा सी देर के लिए पॉपअप होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। इसी तरह आपको मैं रन करके दिखाता हूँ कि इसमें हम कैसे आपको शो करवाऊंगे। मेक टेक्स्ट, इसके अंदर बताना है किधर आपने शो करना है, जिस इसी एक्टिविटी के अंदर शो करना है। ये लिख देते हैं प्लेयर वन विन दी गेम, ठीक है। और इसकी लेंथ दे देते हैं टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग मतलब कितनी देर के लिए आपने स्टे करना है, डॉट शो, ठीक है। एल्स अगर इफ विनर इज इक्वल टू टू, मतलब विनर अगर ये है तो प्लेयर वन प्लेयर टू विनर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और इधर लिख देते हैं प्लेयर टू विनर। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ये सही फंक्शन परफॉर्म करता है कि नहीं करता। अभी भी ये फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि हमने ये फंक्शन चेक विनर वाला कहीं पे कॉल नहीं किया। आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ, फिर भी देखें तो शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो चेक विनर वाला फंक्शन ये जो बनाया था हमने, इसको हमने कहीं पर भी कॉल नहीं किया, ठीक है ना। इसको कहीं ना कहीं पर हमें पहले कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर आगे चेक करेंगे, जाहिर सी बात है जहाँ पे आईडी स्टोर हो रही है, सेल आईडी वगैरह, वहाँ पे चेक करेंगे। ये आके चेक विनर के अंदर अगर ये सारी आईडीज कंटेन्स करती हैं, ठीक है, प्लेयर वन के अंदर, तो ये विनर इधर डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखते हैं कि अब हमारा सही काम करता है कि नहीं करता। अब जैसे कि हम स्टार्ट की, अब हम प्लेयर वन को विन करते हैं पहले। X0 X0 X, ये देखिए नीचे हमारे पास टॉस शुरू हो गया, प्लेयर वन विन दी गेम, ठीक है ना। अब इसी तरह अभी इसके ऊपर दर्ज प्ले गेम का फंक्शन नहीं लगाया, तो दोबारा हम बैक जाते हैं और गेम गेम खेलते हैं। X0 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 प्ले टू विन द गेम। इसी तरह अब हमने हर रो एंड कॉलम के ऊपर ये सीक्वेंस सेट करना है, रो वन के मुताबिक, कॉलम टू के मुताबिक, और हमने ये गेम मैन्युअली बना लेनी है, ठीक है ना। हम इसको रोबोट के जरिए भी बनाएंगे कि हम मैन्युअली या डिवाइस के थ्रू कैसे गेम खेलेंगे। मैन्युअली तो हम बना रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लेयर खेल लेंगे, लेकिन हम इसको रोबोट के थ्रू भी बनाएंगे कि कैसे हमने किसी कंप्यूटर के साथ ये गेम खेलने के, ऑटोमेटिकली हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा जो हमारा एक डिवाइस है ऑटोमेटिकली हमारे से गेम खेले, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम मल्टीप्लेयर गेम बनानी सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये सब कैसे होगा? अब प्लेयर रो वन के लिए तो हमने ये सब सीक्वेंस क्रिएट कर लिया था, अब हमने रो टू के लिए, रो थ्री के लिए, कॉलम वन के लिए, कॉलम टू के लिए और कॉलम थ्री के लिए हमने ये सीक्वेंस क्रिएट करना है। सिंपल, यहाँ पे आएंगे, इसको फिलहाल के लिए नीचे कर देते हैं और अब इधर हम क्या लिखते हैं, रो टू। अब ये हमारे पास इधर, इसको कॉपी करते हैं और इसको रो टू कर देते हैं। अब रो टू के अंदर क्या चीज़ हमें चाहिए कि ये पहले 1 2 3 था, अब ये क्या है, 4 5 6। तो इधर आपने 4 5 और 6 कर देना है, ठीक है, और इधर भी आपने क्या कर देना है, 4 5 और 6 कर देना है। अब इसी तरह रो थ्री के लिए कर लेंगे, पहले रोज के लिए कर लेते हैं फिर कॉलम के लिए बाद में करते हैं, ठीक है। 6 तक हो गया, 7 8 9 आ गया, 7 8 9 7 8 9। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब जैसे ही एप्लीकेशन आपकी रन हो जाएगी, अब देखते हैं कि हमारे सीक्वेंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब रो टू के लिए चेक करते हैं, एक्स प्लेयर वन का विन करते हैं, पहले प्लेयर वन विन दी गेम। अब हम दोबारा जाके रो थ्री के लिए चेक करते हैं, X0 X0 X प्लेयर वन विन दी गेम, ठीक है ना। तो अब हमारा सारा सीक्वेंस तैयार हो चुका है एक रोज के लिए, ठीक है। अब हमने कॉलम्स के लिए हमने सीक्वेंस क्रिएट करना है, तो वो कैसे करना है, वो भी सिंपल, बहुत इजी है। अब वो कैसे क्रिएट करना है, सिंपल, जैसे हम रो थ्री रो वन रो टू के लिए किया है, इसी तरह हम कॉलम के लिए अब कर लेंगे। कॉलम वन के लिए भी कॉपी करेंगे इसको सेम, अब इसको कर देंगे। अब कॉलम वन क्या है, कॉलम वन का जो ये है, ये वन है, ये 2 3 4 है, ये 7 है, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 1 4 और 7, ठीक है, ये कॉलम वन के लिए हो गया। इसके अंदर कौन सी सेल आईडी कंटेन करती है, 1 4 और 7। इसी तरह इसको इसको कॉलम वन कर देते हैं और कॉलम टू के लिए कर लेते हैं, कॉलम टू। अब कॉलम टू के अंदर क्या है, सेल आईडी 2 5 और 8, ठीक है,
2, 5, 8, 2, 5 और 8। इसी तरह कॉलम 3 के लिए कर लेते हैं। कॉलम 3 के अंदर देखते हैं 3, 6, 9, 3, 6, 9, 9, 6, 3। ठीक है, अब हमने सबके लिए विनर्स सेट कर दिए हुए हैं, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम टॉस शो कर रहे हैं, इसके बाद हम डायलॉग में ही विनर्स शो करेंगे। अब इसको रन करते हैं। जैसे ये रन हुई है, अब हम चेक करते हैं कि पहले हम रो वाइज विनर चेक करें, अब कॉलम वाइज विनर चेक करते हैं। एक्स एक्स 0 और ये प्लेयर वन विन दी गेम। दोबारा हम कॉलम 2 के लिए चेक कर लेते हैं। अब प्लेयर 2 को विन करते हैं, ठीक है ना। 0 0 और ये प्लेयर 2 विन दी गेम। अब हमारे सारे सीक्वेंस क्रिएट हो गए। अब इसके अंदर और भी सीक्वेंस आप बना सकते हैं कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 का। 1 इधर आ जाएगा 5, ठीक है। वो भी आपको एक बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए, तो आप बाद में क्रिएट कर लीजिएगा। 1, 5 और 9, 1, 5, 9, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए कि अगर इस तरह भी आ जाता है तो तब भी विन करना चाहिए। चेक करते हैं, प्लेयर 1 विन दी गेम। इसी तरह प्लेयर 2 के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इधर से इस तरह आएंगे तो आप क्या करेंगे, 3, 5 और 7, आपने ये सारे कर देना है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करें, ठीक है। आप सारी कंडीशन लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने देखा था कि जैसे विनर एक नीचे से डायलॉग आ जाता है और उसके ऊपर लिखा था प्लेयर 1 या प्लेयर 2 विन दी गेम। अब हमने उस तरह विनर को शो करवाना है, और अब हमने प्ले गेम पे क्लिक करने पे प्ले गेम दोबारा गेम दोबारा से गेम शुरू हो जाए, ताकि हमें दोबारा दोबारा बैक जाके आगे ना आना पड़े, और एग्जिट करें तो ये बैक साइड पे चला जाए। पहले डायलॉग कैसे बनाते हैं वो सीख लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज प्लेयर 1 की और या प्लेयर 2 की, जो भी विनर होगा उसकी वैल्यूज कैसे सेट करवाते हैं, फिर वो सीख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायलॉग बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे काम करते हैं। डायलॉग बनाने के लिए पहले हमें कस्टम लेआउट की ज़रूरत होगी, तो कस्टम लेआउट बेसिकली एक सैम्पल लेआउट बनाना पड़ेगा। लेआउट्स के अंदर आएंगे, राइट क्लिक किया आपने, लेआउट सोर्सेज फाइल, विनर डायलॉग इसको लिख देते हैं, विनर डायलॉग, ओके कर देंगे। अब आप इसके अंदर जैसे चाहे मर्जी आप डिज़ाइन बना के शो कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसा डिज़ाइन वहाँ पे बनाया था वैसा डिज़ाइन यहाँ पे बना देता हूँ। देख लेते हैं वहाँ पे कौन सा डिज़ाइन हमने बनाया था, तो उसको इधर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके अंदर देखते हैं जब विन करता है तो क्या होता है। ये डिज़ाइन मैंने इसका गेम के अंदर बनाया था, सेम यही डिज़ाइन हम इसी गेम के अंदर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे आए, आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो वर्टिकली नीचे आ रही हैं, तो हम सिंपल इसको वर्टिकल में रख देंगे। तो सिंपल इस कंस्ट्रेंट लेयर को फिलहाल रिलेटिव करते हैं, कन्वर्ट व्यू में आए, रिलेटिव किया और इसके अंदर एक लेआउट रखी लीनियर वर्टिकल, क्योंकि हम नीचे को जाना है। तो टेक्स्ट व्यू पहला हमने लिखा, इसके अंदर क्या था, गेम रिजल्ट, इसको लिख दिया हमने, टेक्स्ट दे दिया, गेम रिजल्ट का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको हाइट दे देते हैं, इसकी 45 45 दे देते हैं, ठीक है। अब इसको कलर, इसका जो टेक्स्ट है आपको मैंने बताया था, अगर ये मैच पेड है तो हम ग्रेविटी यूज़ करेंगे, अगर ये रैप कंटेंट है तो हम लेआउट ग्रेविटी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट रैप कंटेंट नहीं है, मैच पेंट है, तो हम इसको क्या सेंटर में लेकर के लिए यूज़ करेंगे, ग्रेविटी, सिंपल ग्रेविटी के अंदर है, यहाँ पे किया आपने सेंटर और अप्लाई कर दिया, गेम रिजल्ट आपका आ गया। अब चाहते हैं कि इसको मैं बैकग्राउंड दे दूँ, बैकग्राउंड जो सा मर्जी दे लें आप, न्यू बनाना है तो न्यू बना लें, न्यू बनाना है तो आपको बताया था कलर्स के अंदर जाके न्यू कलर बनाएं और वहाँ पे आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। मैं इधर से डायरेक्ट बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है, आप डायरेक्ट भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो तो थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, ये वाला, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, सिंपल इसके अंदर आए, बोल्ड लिखा, ये बोल्ड हो जाएगा। और इसका कलर मैं चाहता हूँ ब्लैक हो जाए टेक्स्ट का, इसको हम ब्लैक कर देंगे। और इसके ऊपर भी मैं चाहूँ तो कस्टम एक बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, जिसके ऊपर ये आउटलाइन हो, इसकी राउंड कॉर्नर्स हो, वो आप जैसे चाहें आप बना सकते हैं। आपको मैंने सिखा दिया था कि ड्राइवल के अंदर जाके आप न्यू ड्राइवल बना के, ठीक है, जैसे आप न्यू ड्राइवल बनाएंगे वो आप इसके ऊपर, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसके अंदर एक प्लेयर 1 बॉक्स ड्राइवल बनाया हुआ था, तो मैं इसके ऊपर लगा के आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि आप इस पर भी लग सकता है। इसके बैकग्राउंड पर गए, ठीक है, हम कलर की बजाय क्या करेंगे, प्लेयर 1 बॉक्स, ये देखें हमारे पास ये बैकग्राउंड लग गया है, ठीक है।
तो इसी तरह हम कोई भी जो हम चाहें वो इधर बना सकते हैं, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड कोई भी बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सिंपल फिलहाल मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद क्या था, साइड से थोड़ा मार्जिन था ये साइड से, ठीक है, मार्जिन ओवरऑल दे देते हैं 5 dp। इसके बाद नीचे हमने विनर बताना है, ठीक है, कि कौन प्लेयर विन किया कौन नहीं किया। अब इसके अंदर हमने प्लेयर वन विन द गेम, ये वैसे ही हम टेक्स्ट रखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कैसा लिखा, प्लेयर वन विन द गेम। अब इसको सेंटर, इसको भी सेंटर कर देना है, हमने सेंटर करना है। अब इसको हम क्या करते हैं, लीन कर देते हैं ताकि आपको इसका भी अंदाज़ा हो जाए ग्रेविटी लेयर, ग्रेविटी कैसे यूज़ करनी है। पहले ये रैप कंटेंट नहीं था, मैच पेंट था, जिसके हमने ग्रेविटी यूज़ की थी। अब इसके अंदर हम लेआउट ग्रेविटी यूज़ करेंगे, लेआउट ग्रेविटी हम यूज़ करेंगे, इसको रैप कंटेंट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको लेआउट ग्रेविटी यूज़ करेंगे और ये सेंटर में आएगी। अब इसका साइज बड़ा कर देते थोड़ा, और कलर ब्लैक कर देते हैं, और इसको फॉन्ट दे देते हैं कोई अच्छा सा, ये वाला फॉन्ट दे देते हैं, ठीक है। और इसको मार्जिन दे देते हैं ऊपर से, थोड़ा सा मार्जिन दिया आपने, टॉप से दे देते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे दो बटन लगे हुए हैं, लेकिन ये हॉरिजेंटल लगे हुए हैं। हॉरिजेंटल बटन लगाने के लिए पहले हम लीनियर वर्टिकल यूज़ कर रहे थे, तो नीचे लेके आने के लिए वर्टिकल लीनियर यूज़ किया। अब हम चाहते क्या है कि हमारे बटन हॉरिजेंटली आए, तो हम सिंपल यहाँ से एक लेंगे हॉरिजेंटल लेआउट और इसको लीनियर वर्टिकल के अंदर ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने वर्टिकल ही हमने आना है, ठीक है। तो इसका जो रैप कंटेंट है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, और इसके अंदर दो बटन रख देते हैं। ये दो बटन रखती है, एक बटन का नाम एग्जिट रख देते हैं और एक का नाम रख देते हैं टेक्स्ट, और साइड से मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट राइट से। टॉप से दे देते हैं 20 का और लेफ्ट राइट से देते हैं 5 dp का। अब इनके दरमियान भी मार्जिन देना है, तो सिंपल दोनों को मार्जिन दे देते हैं। इसका हम राइट से मार्जिन दे देते हैं 5 dp का, और इसको भी हम लेफ्ट से दे देते हैं ताकि इक्वल हमें शो, लेफ्ट से दिया 5 dp का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज कर दूँ, तो सिंपल बैकग्राउंड टिंट, जैसे ग्रीन बैकग्राउंड कलर बनाया हुआ था वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। और इसका टेक्स्ट कलर क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे हम, और इसका बोल्ड कर देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, और इसको हम रैप कंटेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि इसको नीचे से भी मार्जिन दे देते हैं हम, नीचे से भी मार्जिन आ जाए। और अब इसको भी थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से दे देते हैं 20, क्योंकि नीचे से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमने मार्जिन वगैरह दे के और इसका लीनियर लेआउट लगा के और लीनियर हॉरिजेंटल यूज़ करते हुए हमने इसका सारा लेआउट डायलॉग का बना लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ तीन चीज़ों पर फंक्शन परफॉर्म होना है। सिर्फ आप एक बात याद रखनी है कि जिस चीज़ के ऊपर फंक्शन परफॉर्म होना है सिर्फ हम उसकी ही ID चेंज करेंगे। प्लेयर वन के ऊपर फंक्शन परफॉर्म होना है, क्योंकि तरीके हमने बताना है प्लेयर वन विनर है या प्लेयर टू। एग्जिट बटन पे फंक्शन परफॉर्म होना है, प्ले अगेन पे फंक्शन परफॉर्म होना है, तो ठीक है हम तीनों की ID सेट कर लेते हैं। इसका हम रख देते हैं विनर, इसको हम रख देते हैं एग्जिट, और इसका हम रख देते हैं प्ले अगेन। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने आके गेम एक्टिविटी के अंदर काम करना है, ठीक है। जहाँ पे अब हम ये टो शो कर रहे थे इसके अंदर अब हमने डायलॉग शो करना है, ठीक है ना। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे बाद में, अगर आप इस तरह काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह कर सकें, लेकिन मैं अब आपको डायलॉग के थ्रू काम करवाऊंगा, ठीक है। डायलॉग का कोड क्या है, सिंपल डायलॉग का वेरिएबल बनाना है आपने, सॉरी उससे पहले आपने क्या करना है कि इधर अच्छी बात है कि विनर आपने बताना है। अगर विनर वन करता है सेम ऐसे ही जैसे ही हमने टॉस शो किया है, सेम यही चीज़ यूज़ होगी, लेकिन क्या होगा कि अंदर वाली चीज़ नहीं आएगी। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको कमेंट ख़त्म कर देते हैं और इसके अंदर से ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। और अब इसके अंदर हम डायलॉग शो करें, अगर हमारा विनर वन शो होता है तो डायलॉग शो हो जाए, ठीक है। डायलॉग का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंपल वाल आपको बताया हुआ है कि डायलॉग का अगर हम वेरिएबल बनाना है, बटन का बनाना है, इमेज व्यू का बनाना है, रिसाइकलर व्यू का बनाना है, लिस्ट व्यू का बनाना है, सिंपल जिसका भी बनाना है आपने वॉल यूज़ करना है। जिस चीज़ की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसके लिए हम वाल यूज़ करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, और जिस चीज़ की वैल्यू चेंज हो सकती है जैसे कि आप विनर है इसके लिए हमने वैल्यूज़ की चेंज हो रही है, ठीक है ना, बार बार, तो हमने इसके लिए क्या यूज़ किया है, वाल यूज़ किए लिए, ठीक है। अब नेट पर भी देख सकते हैं इसका डिफरेंस, सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा, वाल डायलॉग इज इक्वल डायलॉग
30। अब ये कहेगा इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करो, ठीक है ना। एंटर किया, इंपोर्ट हो जाएगी, बहुत इजी है, ठीक है। आप इसको बहुत इजीली काम कर सकते हैं इसके ऊपर। अब आपने इसके अंदर डायलॉग डॉट रिक्वेस्ट भेजनी है, विंडो फीचर्स, विंडो डॉट फीचर नो टाइटल, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने बताना है कि डायलॉग जो हमारा है डॉट कैंसिलेबल है कि नहीं है, आपने बताना है। सेट कैंसिलेबल, फॉल्स कर देना। इसके बाद अब आपने इसके डायलॉग को बताना है कि हमने कौन सा लेआउट यूज़ करना है, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है डायलॉग को नहीं पता कि कौन सा लेआउट इसने इंप्लीमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है डायलॉग को हम बताएंगे डायलॉग डॉट सेट कंटेंट व्यू, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने लेआउट बनाया है उसका लेआउट, हम ये वाला लेआउट बनाया है बिना डायलॉग, वो इधर हम सेस इसकी करेंगे। आर डॉट आर क्या है, ये रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अंदर जाके लेआउट के अंदर जाएगा। लेआउट के अंदर ही जाने के बाद ये विनर डायलॉग को सिलेक्ट करेगा, आर डॉट लेआउट डॉट विनर डायलॉग। अब इसका मतलब है कि कंटेंट व्यू देखे, आर डॉट रिसोर्सेज के अंदर गया, लेआउट के अंदर गया और इसने विनर डायलॉग को चूज़ किया और वो वाला लेआउट इधर इंप्लीमेंट करेगा। इसी तरह देखे रिसोर्सेज के अंदर गया, इसके बाद लेआउट के अंदर गया और विनर डायलॉग को चूज़ किया इसने, और इधर आपने डायलॉग डॉट रिजल्ट क्या विनर लिखा था हमने, डायलॉग डॉट विनर डॉट टेक्स्ट। सच्ची बात है कि इधर आएंगे आपको बता देता हूँ कि आपके ये विनर है। अब इसकी जो ये एट्रीब्यूट है हमने इसको क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है ना। अब इधर हमने टेक्स्ट शो करना है, सच्ची बात है ये टेक्स्ट कैसे आता है, इस एट्रीब्यूट के थ्रू आता है। तो अब हम इसके अंदर गए, विनर की आईडी हमने ली है विनर, और टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी विनर होगा उसका हम अनाउंसमेंट कर देंगे। विनर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल क्या कर देंगे, प्लेयर वन विन दी गेम। इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि डायलॉग, अब हम चाहते हैं कि उस पर क्लिक करने पे एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो डायलॉग डॉट एग्जिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये अगर इस तरह ब्रैकेट आएंगी आपने इसको कर्ली ब्रैकेट कर देना है, और इसके अंदर आपने सिंपल वाल इंटेंट लगा देना है ताकि वो बैक एक्टिविटी पे चल जाए। इज इक्वल इंटेंट दिस, से आपने किधर जाना है, हमने चल जाना है स्टार्ट एक्टिविटी पे। क्लास जावा की है, इसको पहले हम कर लेते हैं इंपोर्ट क्लास जावा, ठीक है। और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट कर दिया हमने, अब हमारा ये एग्जिट वाला काम भी हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो प्ले गेन वाला काम है वो भी हो जाए। प्ले पे क्लिक किया, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसको ख़त्म किया, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, ठीक है। वॉल, उसके बाद सेम वही काम है इंटेंट, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस और गेम एक्टिविटी ही के अंदर दोबारा इसने रिफ्रेश होके आना है, और बीच में आपने फिनिश लगा देना है ताकि पीछे वाला दोबारा से आपके सामने ना आओ। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, अब ये सारा काम हमने कर लिया है, ये सारा काम हमने विनर वन के लिए कर लिया है। सेम यही कॉपी करेंगे हम और ये विनर टू के अंदर रख देंगे। अब इसकी जगह हम विनर टू की जगह प्लेयर वन की जगह प्लेयर टू कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या जो हमने अभी तक काम किया है वो सही तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे ही मेरी गेम रन हो चुकी है, अब मैं चेक करूँगा कि मेरा जब मैं विन करूँ तो मुझे एक डायलॉग शो होना चाहिए। लेट्स सी कि वैसे शो होता है कि नहीं। प्लेयर वन, अभी हमारा डायलॉग शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ ये अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा। अब ये देखिए, आपने इसके अंदर देखा होगा मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि डायलॉग शो। डायलॉग शो करने के लिए डायलॉग शो लगाना पड़ता है। इसी तरह आपने इसको कॉपी करना है और इसके अंदर डायलॉग शो कर देना है, ये एल्स इफ के अंदर, ठीक है ना। ये इसके अंदर करना है, बाहर नहीं करना है। जैसे ही अब रन करेंगे आप, तो आपका ये इशू भी ख़त्म हो चुका होगा। ये भी मैंने इसलिए छोड़ा था ताकि आपको अगर ये इशू आता है तो आप इसको कैसे रिजोल्व करेंगे। अब हम रन करते हैं और देखते हैं, तो जो भी विनर होगा वो डायलॉग में शो हो जाएगा। देखें, प्लेयर वन विन दी गेम, अगर मैं इधर से एग्जिट करता हूँ तो बैक चला जाता है, दोबारा गेम शुरू करता हूँ तो दोबारा गेम शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसको विन करते हैं, प्लेयर टू विन दी गेम, अगर मैं प्ले अगेन करता हूँ तो दोबारा से गेम शुरू हो जाएगी।
ये देखें रिफ्रेश हो गए, दोबारा से गेम शुरू हो गई है। सो अब ये जितना भी काम हमने किया है, ये मल्टीप्लेयर गेम बना ली है हम अभी तक, जितना काम कर चुके हैं आप ये इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इसके बारे में हमसे सवाल पूछें, मैं इसका आपको जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी बताइएगा। और इसके अंदर अगले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम ऑटोमेटिक गेम खेल सके, ठीक है ना, कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर इस पर क्लिक कर दे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर इस पर क्लिक करे और हम गेम खेलें और मैं विन कर जाए, ठीक है ना। तो वो हम कंप्लीट गेम बना लेंगे, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।